चरण कमल भ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमदे निम्बार्काचार्य नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्धितरतस्य चार्थेषु विज्ञसुरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदं यदा विनमयो यत्रत्र सर्वो मृषन् धामना स्वेन सदा निरस्तपकं सत्यं परम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। हे देव हे दयति हे भुवनेकबन्धु हे कृष्ण हे चपल हे करुणेकसिन्धु
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामम् कदानुभवतास्मि यदं दृशोर्मे नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेदसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां मै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे ध्येयं सदा परिभवक्ष्णमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैवमेविशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कभवातपित्तये कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते दिव्यां देहि मे शक्तिं दिव्यां देहि शान्तिमे दिव्यां देहि आयुष्यं यशो बुद्धिं समुज्ज्वलाम् राधासाध्यं साधनं यस्य राधामन्त्रो राधामन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधाजीवनं यस्य राधा राधा राधावाचिकं तस्य शेषम् श्रीराधा मेरी स्वामिनी मे राधे तिरुदास जनम जनम मोहि दीजियो श्री चरणन को वासु सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम रे द्वार औ वृषवानु की लाडली ने कमेरी ओर ने आर वर्षाने के राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम कृष्णं नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे व्रजाश्रितं उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृशक्ति माताएं वो बहन आइए हम और आप सब इस यज्ञ में जो के 3 तारीख से प्रारंभ हुआ और आज अपने अंतिम चरण में पहुंच गया आज इस यज्ञ का ये अंतिम सत्र है और हम और आप सब जो आज यहाँ उपस्थित हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम हम अपने जीवन में भगवान की एक कथा और श्रवण कर पाए। धन्यवाद के पात्र हैं वो सभी लोग जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सही लेकिन इस यज्ञ में सहयोग किया। साधुवाद के पात्र हैं हमारे सभी मीडिया कर्मी जिन्होंने इस यज्ञ को अपने पेपरों में इतना स्थान दिया, उन सबको साधुवाद, उन सबको धन्यवाद। भगवान उनके ये विचार हमेशा बनाए रखे। कार्यकर्ताओं के रूप में जिन लोगों ने भी थोड़ा भी सपोर्ट किया है उनको भी धन्यवाद। किसी भी रूप में आप लोग सम्मिलित हुए इस भगवान के उत्सव में आनंद से आप लोगों ने श्रवण किया, आप सबका धन्यवाद है, साधुवाद है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य कि हम और आप सभी चाहे कुछ ही देर सही लेकिन भगवान के साथ जिए। यू नो दुनिया के साथ जीना तो सभी लोग जी रहे हैं, जी रहे थे, जी रहे हैं, जिएंगे भी।
लेकिन चाहे थोड़ी देर के लिए सही, पल दो पल के लिए सही, अगर हम भगवान के लिए जी सकें, भगवान के साथ जी सकें, वो जीना काम का है, वो जीना हमारे मतलब का है, वो जीना सार्थक है। तो आइए सभी प्रभु प्रेमियों का स्वागत करते हुए इस सत्र में आखिरी बार हम और आप सब विश्व शांति के लिए एक साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे और फिर पूरी करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन दान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथ को हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास्तुदेव ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम स्थान ग्रहण करें। विदुर समाज सभी ब्राह्मण समाज संत समाज पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में
उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार और जोर से, बहुत सुंदर समय है कि हमारे जीवन में आज ये भगवान की एक और कथा पूरी हो रही है। लेकिन कुछ ज्ञान हमें भजनों से भी मिलता है और बहुत अच्छे सुंदर भजन होते हैं वो, जो हमें कुछ सिखाते हैं। भजन का मतलब सिर्फ ताली बजाकर आनंद लेना ही नहीं, जीवन में कुछ उसकी सार्थकता को भी समझना है। बहुत प्यारा भजन है। माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। पानी का बुल तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। कबीरा तेरे साथ न जाए, भाई बंधु तेरे काम न आए, कुटुंब कबीरा तेरे साथ न जाए। चले ना तेरे कोई भी प्राणी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। साथ चले ना तेरे कोई भी प्राणी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी।
वजीरों की देखने के ठाट जिनके लाख लाख हीरों के रही ना निशानी जग में राजा वजीरों की देखने को ठाट जिनके लाख लाख हीरों की ढाई गज कपड़ा डोली ढाई गज कपड़ा डोली पड़ेगी उठानी अरे अभिमानी तेरे यही जिंदगानी अरे अभिमानी तेरे यही जिंदगानी माटी में मिले मानिया पानी में पानी अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी श्रीराम सत्संग किया करता अभिमान है खाना पीना पशुओं का काम है वो घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है बीती जाए यूं ही तेरी जाए यूं ही तेरी सारी जिंदगानी अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी माटी में मिले मानियों पानी में पानी अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी साथ तेरे जावेगी कर ले भलाई जग में काम तेरे आवेगी जाएगा यहाँ से जब तू साथ तेरे जाएगी कहे बिंदु ये ही अपनी कहे बिंदु ये ही अपनी छोटी सी कहानी अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी माटी में मिले माटी और पानी में पानी अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी अरे अभिमानी
बोले युगल सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांति शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे और एक बार प्यार से। कर ले कमाई जग में काम तेरे आवेगी, जाएगा यहां से जब तू साथ तेरे। ऐसा नहीं है कि ये बात मैं पहली बार आपसे बोल रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। मुझसे पूर्व आपने ये बात कई बार सुनी है, मुझसे पूर्व कई बार ये बातें आप सुन चुके हो, मुझसे भी पूर्व कई संत महात्मा कथाकार ये बात आपको समझा चुके हैं। दुर्भाग्यशाली है वो पल जब इतनी सुंदर वार्तालाप, इतना सुंदर चर्चा, इतना सुंदर विषय हमारे जीवन में समझ में नहीं आता है। और धन्य वो पल है, वो क्षण है जिस पल हमको किसी संत की, किसी ब्राह्मण की, किसी पुराण की, किसी वेद की, रामायण की, अथवा हमारे गुरु की कोई एक शब्द हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि वही पल हमारे काम का भी है और वही पल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भी है। एक बात सुनी बहुत सुंदर, हमारा और आपका जीवन ठीक वैसे ही है जैसे पशुओं का जीवन है। पशुओं में और हम में ज्यादा अंतर नहीं है। आप देख लीजिए, उनके भी आंखें हमारे भी आंखें, उनकी भी जिभ्याएं हमारे भी जिभ्याएं, उनके भी हाथ हैं हमारे भी हाथ हैं, सब कुछ वही है। थोड़ा सा अंतर है, बोलो राधे राधे। पुणे अभी हमारे चिमटा खर्चला छड़क रहे हैं बड़ी जोर जोर से। आप सब प्रभु प्रेमी हैं, जीवन की सच्चाई को हमें और आपको झुटलाना नहीं है। चली जा रही हैं अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। जो निकल गया है ना जो पल, वो दोबारा लौट के आने वाला नहीं, ये कन्फर्म है, कभी नहीं। और जो पल बचे हैं, जिस पल में हमें हमारे गुरु की बात समझ में आ जाए, किसी संत महात्मा की बात समझ में आ जाए, किसी पुराण की बात, वेद की बात समझ में आ जाए, तो समझना वो पल हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत। मैं आपको बता रहा था, कई लोग हम और आप अपना पूरा जीवन पूरा किस में लगा देते जानते हो? खाओ कमाओ और सो, और बच्चों का टेक केयर करो, उनको देखभाल करो, इसी में ना पूरा जीवन जाता है। आप सुन के अचरज करेंगे, चींटी का नाम सुना है? चींटी का कितना बड़ा पेट होगा उसका, कल्पना तो कर सकते हो कितना बड़ा पेट है। वो चींटी 24 घंटा में से एक मिनट भी सोती नहीं है।
24 घंटा में से एक मिनट भी नहीं सोती, बोले ऐसा क्या काम करती है वो किसके यहाँ जॉब करती है। 24 घंटा वो हाय माया में लगी रहती है और अपने खाने पीने के जुगाड़ में चलती रहती है, 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 चलती रहती है। चींटी, एक गेहूं का दाना मिल जाए तो साल भर का कोटा फुल उसका, इसके बावजूद भी माया ने चींटी को नहीं छोड़ा, तू तो इंसान है। आप सोचिए ना, कल्पना। अब आप कहेंगे वो तो चींटी है साहब, चींटी भी माया कम नहीं है उसके अंदर, वो भी भरी पड़ी है। आप तो फिर भी दो चार घंटे रेस्ट कर लो, एक मिनट नहीं सोती 24 घंटे में से। कितनी माया की आग लगी है उसके अंदर। उसको कोई पढ़ाने नहीं जा रहा है, आपको तो कितने लोग पढ़ाने आ रहे हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप तो खुद समझदार हैं। उसके पास तो वो मौका भी नहीं जो आपके पास अभी है। वही वो कर रही है, वही आप कर रहे हो, देन क्या अंतर क्या है? कैसे कहोगे हम मानव हैं? आपकी मानवता, आपकी श्रेष्ठता, और ये सिर्फ यहां सुन लिया और फिर भूल जाओ, ये अच्छी बात नहीं। डोंट फॉरगेट दोज, उन लोगों को आप कभी मत भूलिए जो आपकी जरूरत के वक्त आपके साथ या नेक विचार आपके मोक्ष के लिए आपको देते हैं, चाहे वो गुरु हो चाहे वो आपका दुश्मन। उन लोगों को कभी मत भूलो जो आपके कल्याण के लिए प्रयासरत हैं, जो चाहते हैं कुछ भी हो जाए पर तेरा कल्याण होना चाहिए, ऐसे लोगों को आप मत भूलिए कभी नहीं। तो चींटी को मौका नहीं मिलता कथा सुनने का, चींटी नहीं जाती किसी सत्संग में, चींटी गुरु मंत्र नहीं लेती किसी से, वो तो उसी माया में रची पची है, उसी में जिएगी उसी में मर जाएगी। लेकिन जब चींटी को इतनी माया सताती है तो तुम और हम तो इंसान हैं, लेकिन हम पे उपाय है, हम बच सकते हैं, हम करें, अपने बच्चों के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए काम करें, सब कुछ करें, लेकिन सब कुछ भगवान का समझ के, अपना समझ के नहीं। यहां मेरा कुछ नहीं है, यहां सब भगवान का है, और अपना लक्ष्य अपना संबंध उसके साथ मजबूती से बना के रखें। काम के लिए श्याम को न छोड़ें, श्याम के लिए काम को छोड़ें तो मिलने का आनंद आएगा, मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। बड़ा अनमोल है, चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो, जो निकल गई हैं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो बची हुई हैं उनको तुम संभाल सकते हो, उनको तुम बचा सकते हो। आइए उन्हीं सांसों को कीमती बनाएं, उन्हीं सांसों को अनमोल बनाएं, और आज ठाकुर की कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह द्वारिका में किए, जिनमें से 8 पटरानियों के नाम मैं आपको बताना उचित समझता हूँ। 8 पटरानी जिनसे उन्होंने अलग अलग विवाह किए, 16,100 एक साथ हुए हैं, लेकिन 8 विवाह अलग अलग किए हैं। ये कौन है? ये रुक्मिणी जी, जामवंती, महामाया, लक्ष्मणा, कालिंद्री, भद्रा, मित्रविंदा, नाग्नजिति, सत्यभामा, 8 वो पटरानी हैं जिनसे भगवान ने अलग अलग विवाह किए। एक बहुत प्यारी सी कथा आती है, सत्यभामा बहुत धनवान बाप की बेटी है, जिन्हें मणि मिली हुई है,
और भगवान कृष्ण को मणि दहेज में मिली है। तो एक बात तो आप जानते होंगे भाई, पैसा वाले की छोरी ससुराल में नखरे तो करे ही है, करे कि ना करे, सभी नहीं करते, कई सुशील भी होती हैं। सुशील इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि पैसा मेरे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन कई कई तुम्हारा ऐसी डोले जा चना के पीड़न पे ना ऐसी घूमती रहे ऊपर ही ऊपर। अभिमान तो किसी भी चीज का गलत है। सत्यभामा को अभिमान है, मैं तो धनवान की बेटी हूं। भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि कोई अभिमान करे, मेरे सागिर्द मेरे साथ रहने वाला अभिमान करे, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यकीन मानना, जब आप भी किसी चीज का अभिमान करते ना, मेरे ठाकुर जी पजल हो जाते, कभी कभी परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं, आपके लिए अपसेट होते ना। वो कहते मैंने इसे बनाया है, मैंने बनाया तो इतना नालायक कैसे हो सकता है, इतना अभिमानी कैसे हो सकता है। आपका बेटा आपकी इच्छाओं के विपरीत जाए तो आपको तकलीफ होती है। प्रत्येक मां बाप चाहते हैं मेरा बेटा वो करे जो मैं चाहता हूं, और मां बाप कभी बच्चों के लिए गलत नहीं चाहते। मां बाप ही हैं जो सही मार्ग बता सकते हैं बच्चे को, लेकिन आजकल के मां बाप की गारंटी नहीं, क्योंकि आजकल के मां बाप बहुत स्वार्थी हो गए। आई एम सॉरी टू से कि ये हर चीज नहीं समझ में आएगी हर एक लोगों को, लेकिन यकीन मानिए हम लोग अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पैसे की मशीन बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं, इंसान नहीं बनाना चाहते, पैसे वाला इंसान बनाना चाहते हैं। बताइए आप, दिल पे हाथ रख के मैं कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, हम इंसान नहीं बनाना चाहते अपने बच्चों को, पैसे वाला इंसान होना चाहिए मेरा बेटा। इंसान बनाइए, मानव बनाइए, और मानव बनाने में टाइम लगता है। और जब माँ बाप चाहे मेरा बच्चा मानव बने और माँ बाप की इच्छा के विपरीत वो बच्चा जाए तो तकलीफ होती है माँ बाप को। यही कंडीशन हम हमारे विषय में परमात्मा सोचता है पॉजिटिव और हम लोग करते हैं नेगेटिव। हम लोग अभिमान, हम लोग मालाओं का ही अभिमान, हम तो इतनी माला करते हैं, हम इतनी माला करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम तो बड़े आज्ञाकारी हैं, अरे साहब हमने तो इतने तीर्थ कर लिए, ये अभिमान है, ये भी नहीं करना है, ये भी नो नेवर बिल्कुल भी नहीं। क्या करें फिर, करते हो तुम कन्हैया, यू डू एवरीथिंग, आप ही सब कुछ करते हो, हम कुछ नहीं करते प्रभु। कुछ नहीं मीन्स कुछ नहीं, ये भाव रखो। सत्यभामा को अभिमान हो गया, भगवान जी बोले कैसे दूर करो जाए। एक दिन नारद जी आए, सत्यभामा जी बड़ी प्रसन्न भई, आओ महाराज आज मेरी इच्छा है, हम आपको अपने हाथन से भोजन बनाए के जिमांगी। देवऋषि बोले आहा आज तो हमारा बड़ा सौभाग्य, माता जी आप बनाएंगी और हम जाएंगे, आपके हाथन से प्रसाद मिल जाइए तो बहुत है। अरे बोले नहीं प्रभु, आप संत हैं, आप पधारो ना। आप देखिए, जिस घर में ब्राह्मण न जी में, जिस घर में साधु न जी में, वो शमशान। वो क्या है, जोर से बोलिए। आजकल ईंट मकान जो बने ना ईंट पत्थर के, वो मकान नहीं है, वो शमशान है, हाई फाई शमशान है। क्यों, ना तो वहां कोई अतिथि आता है, ना कोई साधु आता है, ना कोई, और आ भी जाए तो दरवाजा नहीं खुलता, सिक्योरिटी गार्ड ही कहते निकलो निकलो, सर नाराज होएंगे, गुस्सा होएंगे, बॉस निकलो निकलो। और अगर कोई खटखटा भी दे कुंदी तो हाँ कौन आया क्या चाहिए, अरे अभी नहीं अभी हो गया हो गया हो गया चलो। कितने अतिथि हमारे द्वार से खाली हाथ चले जाते हैं, तो घर नहीं वो शमशान है। अब लाते भी किसी गुरु महात्मा को लाते हैं तो वो अपने लेवल का ही लाते हैं, जो हमारे लेवल का हो वो तो फिर महात्मा जी, तो महात्मा जी, गुरु जी तो गुरु जी।
तुम्हारे द्वार पर अतिथि अपने आप आते रहें, साधु महात्मा अपने आप आते रहें, भक्त प्रेमी अपने आप आते रहें, तो समझना भगवान ने तेरे घर को मंदिर बना रखा है। हाँ, आजकल यकीन थोड़ा मुश्किल हो गया, समय ऐसा हो गया, घर में नहीं बुला सकते, मत बुलाओ। अगर भीख मांगने वाला आया है, अगर कोई वैसा आया है, तो उसे द्वार के बाहर बैठाल कर तो खिला सकते, वहीं खिला दो। कुछ तो करो, क्यों करोगे तो तुम्हें मिलेगा, जब तुम करोगे नहीं तो तुम्हें भगवान कैसे दे। भगवान कर्मठ है, वो फल देता उसी को जो करता है, भगवान उसे कुछ नहीं देता जो कुछ नहीं करता, इसलिए करना पड़ेगा कुछ भी। और स्वयं भगवान ने किया है ये, कोई हम और आप वैसे थोड़ी मैं गप्पे हाँ कराऊं या बैठ के, जो किया है भगवान ने। सत्यभामा जी कह रही हैं, हमारे भाग्य जो महात्मा आप हमारे घर पधारे, आओ विराजो, हम अपने हाथ से भोजन बनाएंगे और आपको जुमाएंगे। बोलो बैठो। नारद जी जय में लगे। नारद जी ने भोजन करो, भोजन के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, दक्षिणा के बिना फल नहीं लगे, सनातन धर्म का नियम है। मंदिर में जाओ तो दक्षिणा चढ़ाओ, जिसको हमारे मूवी वाले कहते ना ये तो टैक्स है, कहते ना टैक्स है, वो कहते ये तो टैक्स है, मंदिर में आने का टैक्स लेते, तेरे बाप का टैक्स है, भगवान को दे दे, अपने बाप को एक बच्चा कोई दे ये टैक्स है, अपने माँ बाप को बच्चा कोई मदद करे ये टैक्स है, बेटा कोई कमाई करे और वो माँ बाप से कहे नहीं डैडी आप लीजिए ना, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, देखो आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं इतना बड़ा हो गया, अब मैं कमाने योग्य हो गया हूँ, डैडी आप रखिए ना, ये आप ही का, मेरा नहीं है, अगर आप मुझे पढ़ाते ही नहीं, आप मुझे लिखाते नहीं, तो मैं कहाँ, ये भाव, ये टैक्स है माँ बाप का, तूने पैदा कर दिया इसलिए तेरे को टैक्स देना पड़ेगा, लाइक दैट। माँ बाप के विषय में अलग थ्योरी, भगवान के विषय में अलग थ्योरी, दिस इज गुड, ना 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 ना, ये तो अन्याय है, ये अन्याय है। और हमारे मॉडर्न बच्चों को ये अन्याय बड़ी न्याय लगती है, एकदम समझ में आ जाती है उनको, क्यों, क्योंकि उन्हीं के मतलब किसी बात होती, वो खुद ही भगवान को नहीं चाहता था, उन्हीं के मतलब की बातें होने लग गई तो वो लाइक करने लग गया, ये सही कह रहे हैं, टैक्स है, ये टैक्स है। जब तेरी माँ तुझे पालती है तो माँ टैक्स देती है, जब तू मलमूत्र धोना भी नहीं जानता था, तेरी माँ तुझे प्यार से लाड़ चाव से अपने महंगी महंगे कपड़ों पर भी तेरा मलमूत्र सह लेती है, माँ के ऊपर तेरा कोई टैक्स है? इस धरती माँ पर हम लोग जिंदगी भर जीवन भर मलमूत्र त्यागते, कौन सा टैक्स देते हम पृथ्वी माँ को है? इन लोगों का काम है जीव को धर्म से अलगाव कर देना, धर्म से दूर कर देना, ऐसे ऐसे विचार घुसेड़ देना जिससे जीव भगवान से दूर हो जाए, गलत है, अन्याय है। हमारा परमात्मा भगवान है, सब कुछ उसी ने दिया है, इसीलिए कहते तेरा तुझको अर्पण। अब ब्राह्मण को क्यों देते हैं साथ भोजन कराने के बाद दक्षिणा, भोजन क्यों कराते हैं ब्राह्मण को? ब्राह्मण भगवान का मुख है, जो भी ब्राह्मण खाता है वो डायरेक्ट भगवान के उदर में जाता है। हम लोग जो भगवान को धन देते हैं वो धन पवित्र करने के लिए, हम लोग जो भगवान की सेवा करते हैं अपना तन पवित्र करने के लिए, हम लोग जो भजन करते हैं वो अपना हृदय पवित्र करने के लिए करते हैं, ये भगवान की जोर जबरदस्ती नहीं है हमारे ऊपर, ये भगवान की तरफ से टैक्स नहीं है। आप भजन करते हो आपके मन को शांति मिलती है कि नहीं, बोलिए है? नहीं मिलती? आप किसी भिखारी को भोजन कराते हो आपके मन को सुकून नहीं मिलता? आप तीर्थों में जाते हो आपका तन एकदम प्रफुल्लित नहीं होता?
आप अपने तन से साधु महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करते हो, आपको हैप्पीनेस फील नहीं होता? इनका तो मतलब है मूवी देखो 500 रुपए की टिकट खर्च करके और दारू पी के पड़ जाओ, दुष्कर्म करो, इनकी नजर में वही लाइफ है। गरीब को 10 रुपए दे दो, दारू पियो 500 की, बुरे कर्म करो, जुआ खेलो, इनकी नजर में हो गया धर्म। ये सिर्फ हमारे नौजवान पीढ़ी को भटकाना चाहते हैं, धर्म उससे भ्रष्ट करना चाहते हैं। मैं ये अपनी जिम्मेदारी पर इस बात को कहता हूं, धर्म, शास्त्र, साधु महात्मा, कथाकार, माँ बाप, दादी दादा, ये सब तुम्हारा भला चाहते हैं मेरे भाई बहन, ये कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। और अगर ये बुरा चाहते हैं तो फिर तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। मैं किसी डायरेक्टर के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी नेता के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी प्रजातंत्र के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं प्रजा के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं अपने आप के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ आप लोगों का भला चाहता हूं। मैं भी, ये मेरा गुनाह है, और अगर ये मेरा गुनाह है तो तब तक करता रहूंगा जब तक मैं फांसी पर न चढ़ जाऊं या जब तक मैं मर न जाऊं, तब तक मैं ये गुनाह करूंगा। भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा, मुझे इसीलिए भेजा। नौजवानों को निवेदन है, ये टैक्स नहीं है, आप जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते हो वैसे हम भगवान की औलाद हैं। आप तीर्थ जाते हो उसमें भगवान को क्या मिलता है? आपके कर्मों का शुद्धिकरण होता है। आप भजन करते हो इसमें भगवान को क्या मिलता है? इससे आपका चित्त का शुद्धिकरण होता है। आप मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करते हो उससे आपके नेत्रों का शुद्धिकरण होता है। आप कथा पंडाल में बैठकर भगवान की कथा सुनते हो इससे आपके श्रवणों का शुद्धिकरण होता है। और आप जब जाकर कहीं भी किसी साधु महात्मा मंदिर में जाकर जब आप दान देते हो उससे आपके धन का शुद्धिकरण होता है। दिस इज अ वे ऑफ माई लाइफ माई डियर। और अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो ये गलत भगवान ने सिखाया है, मैंने नहीं सिखाया। अगर लड़ना हो तो भगवान पे जाके लड़ो, हम पे नहीं। सत्यवामा भगवान के भक्त नारद जी को बैठालती हैं और कहती हैं आप बैठो, हम आपको भोजन कराएं। भोजन कराया, सत्यवामा बोली भोजन के बाद दक्षिणा हमको आपको देनी है, तो आप कृपा करिए बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। बोले नहीं रहने दीजिए, हमें दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो बताइए आपको क्या चाहिए। बोले आप नहीं दे पाएंगे। बोले मैं वचन देती हूँ आप जो भी मांगेंगे हम आपको दक्षिणा में वही देंगे। तब नारद जी कहते हैं अगर आप हमें दक्षिणा में देना चाहते हैं तो कृष्ण को दे दो। आजकल एक और चीज बहुत गलत चल रही है, हम किसी को भी उठा के भगवान की तस्वीर दे देते हैं, गलत है। देख दो तमाम सीरियलों में ले बेटा भगवान को ले जाए तेरी मदद करेंगे, कोई नई नई लड़की आई बहू बनेगी इसको रख लियो गणेश जी को तेरे काम आएंगे। है? भगवान को देने की हिम्मत उसी में है जिसने भगवान को पा लिया हो, वरना दिखावा करने की जरूरत नहीं। भगवान देने की चीज नहीं है, भगवान को तो लाने का विषय है कि अपने जीवन में भगवान को लाओ। हमारे जीवन में आए तो है नहीं, देना पहले शुरू कर दिया। बड़े बड़े संत महात्मा भगवान नहीं देते आपको, बड़े बड़े साधु महात्मा इसलिए आपको भगवान नहीं देंगे। वो मेरा भाई रो पड़ी मुझे गिरधर चाहिए, साधु ने कह दिया इस गिरधर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तू मुझे गिरधर दे दे। प्रण कर लिया जब तक ये मिलेंगे नहीं भूख से मर जाऊंगी, ना खाऊंगी ना पीऊंगी। महात्मा के मरे तो मर जा पर गिरधर नहीं मिले। मीरा 3 दिन में कितनी पतली हो गई पता है? अंगूठी हाथ की बाह में आने लग गई, इतनी पतली हो गई 3 दिन में। किसके लिए? बोले गिरधर के लिए। उंगली की अंगूठी बाह में आ गई तब जाके वो गिरधर को निर्दयी को दया आई। तब कहते हैं महात्मा जी से कि आपकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपने जो सेवा करी है मैं बहुत खुश हूं, आप कृपा करिए मुझे मीरा को देकर आ जाइए। तब वो मीरा को देकर आते हैं भगवान के कहने से।
मीरा के कहने से, राजकुमारी के कहने से, राजकुमारी के कहने से मीरा नहीं, मीरा को गिरधर नहीं दिया महात्मा जी ने। आजकल सब गिरधर दे देते हैं, नहीं देना चाहिए, पहले अपने जीवन में ले आओ। नारद जी ने कहा अगर दे सकती हो तो कृष्ण दे दो। अब तो नीचे से ऊपर तक कांप गई, कृष्ण तो मेरा जीवन है, कृष्ण तो मेरा सर्वस्व है, उनको मैं कैसे दे सकती हूँ आपको? उनको तो नहीं दे सकती, उनके बदले में आप कुछ भी ले लो। बोले उसके बदले में आप क्या दे सकती हो? बोले कृष्ण के बराबर सोना दे ले लो। बोले ठीक है ऐसा कर लो। अब पैसे वाले की छोरी है तो पैसा तो दिखा देगी, बोले या चीज के बदले वा चीज ले लो। नहीं, धनवान की बेटी है ना सत्यभामा, उनको लगा कि धन से सब कुछ मिल जाता है। एक बात बता देते हैं, धन से मकान मिल सकता है लेकिन भवन नहीं। धन से बिस्तर खरीद सकते हो पर नींद नहीं। धन से दवा खरीद सकते हो पर दुआ नहीं। धन से दुनिया के साधन इकट्ठा कर सकते हो लेकिन साधना नहीं। आप हर चीज धन से नहीं ले सकते। इस दुनिया में भगवान पैसे से नहीं मिलता, इस दुनिया में भक्ति पैसे से नहीं मिलती, इस दुनिया में ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ तुम्हारे अपने खुद के ऊपर डिपेंड है। बाय बाय। सत्यभामा कहती आप धन ले लो। बोले ठीक है दे दो। तराजू मंगाई गई, एक तराजू के पल्ले में कृष्ण को बैठा दिया द्वारिकाधीश को, दूसरे तराजू के पल्ले में सोने पे सोना, सोने पे सोना, सोने पे सोना, सोने पूरी द्वारिका का सोना चढ़ा दिया उसमें। कृष्ण की बराबर पूरा गहना चढ़ा दिया सत्यभामा ने अपना, ये लो, तो भी कृष्ण की बराबरी नहीं। अब सत्यभामा रोवे सो रोवे, बोले अगर बराबर नहीं हुआ तो कृष्ण लेके जाऊंगा। नारद जी कहते हैं या तो बराबर करो नहीं तो मैं कृष्ण को ले जाऊंगा। सत्यभामा रोने लगी, सब कुछ दे दूंगी, मेरी जान ले लो पर कृष्ण मत लो। बोले मुझे कृष्ण चाहिए या कृष्ण के बराबर सोना चाहिए। आज वो मणि धरी की धरी रह गई, आज वो सोना धरा का धरा रह गया। जिस सोने पे वो घमंड करती थी आज वो सब बर्बाद हो गया, किसी काम नहीं आ रहा है। मेरे कृष्ण को जाने से नहीं रोक सकता ये सोना। रुक्मणी के चरण पकड़ लिए, दीदी बहन मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? पूरी स्थिति बताई कि सोना कृष्ण की बराबरी नहीं हुआ, प्राणपति की बराबर नहीं हुआ, प्राणनाथ की बराबर नहीं हुआ। बोले तो चिंता मत कर, कृष्ण हमको, हमारे नाथ हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, अभी रुक। रुक्मणी जी ने तराजू के दूसरे पल्ले में एक तुलसी का पत्ता रख दिया और संतों के मुंह से सुना है कि उस पर राधे लिख दिया। पर जैसे ही राधे लिखा उसका सारा सोना हट गया। सारा एक हाँ, नेक्स्ट इस चीज हो ना, नेक्स्ट कांटो के जो सोने को कांटो है, नेक्स्ट उसको कांटो ना रहे, वहां पर सब हटा दिया। एक तरफ कृष्ण और दूसरी तरफ तुलसी का वो पत्ता जिस पे लिखा हुआ है श्री राधे। और वो कृष्ण सिर्फ एक तुलसी के पत्ते के बराबर है। तुलसी का पत्ता मीन्स श्रद्धा, विश्वास। राधा मीन्स विश्वास, त्याग, समर्पण। जहाँ त्याग, समर्पण, विश्वास हो उससे कृष्ण छोटे हो जाते हैं, बराबर भी नहीं रहते। जहां विश्वास है, जहां त्याग है, जहां श्रद्धा है, जहां भरपूर प्रेम है, जहां अपने लिए नहीं, जहां कृष्ण के लिए जिया जाता है, फिर कृष्ण उनकी बराबर नहीं रहता, उनसे छोटा हो जाता है।
स्वयं हमारे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे, बिन प्रेम न सुधा सुहाय, भक्तन की भाव भरी भक्ति, मेरे ही में गई है समाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति। किस पे रीझते हैं? बोले मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। मैं तुलसी का दल कोई श्रद्धा से अगर मुझे समर्पित भेंट कर दे तो मैं उसके ऊपर बिक जाता हूं, उसका दास हो जाता हूं। तुलसी दल को चढ़ाने को क्या कहेंगे? पैसे चढ़ाने को तो वो टैक्स कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? हमारे ब्रज में एक कहावत है, एक तो बुरी और बुरे ही गीत गावे, एक तो बुरी सकल की बुरी और फिर बुरे ही गीत गावे। ये बॉलीवुड वाले एक तो बुरे और बुरा ही काम करते हैं। इनमें से कोई एक ईमानदार व्यक्ति बता दो जिसने समाज को साधु बना दिया हो, एक व्यक्ति बता दो। कम से कम इन कथावाचकों ने दो चार तो साधु बनाए होंगे, इन साधु संतों ने दो चारों का बेड़ा तो पार किया होगा। अरे बेशर्मो, तुमने तो सबका बेड़ा गर्क ही किया है। जो तेरे थिएटर में घुस गया वो बर्बाद हो गया, और इस कथा पंडाल में जो आ गया मेरे भाई बहन 75% का बेड़ा पार हो गया। नहीं हुआ? नहीं हुआ? राधे। मेरे को तब से इनकी बुराई ज्यादा करने का मन करता है जब से इन्होंने हमारे धर्म के ऊपर संग। कोई महात्मा का अच्छा रोल है ही नहीं किसी मूवी में, सब नेगेटिव। सारे ब्राह्मण सिर्फ भोजन और दक्षिणा के लिए बनाते हैं ये लोग। सीरियल में चले जाओ तो, मूवी में चले जाओ तो, ब्राह्मण को दिखाएंगे लालची, सिर्फ नेगेटिव रोल। दक्षिणा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अरे तेरे ब्राह्मण जानता है परशुराम है ब्राह्मण, ब्राह्मण जानता है चाणक्य है ब्राह्मण, ब्राह्मण जानता है वशिष्ठ है ब्राह्मण, ब्राह्मण जानता है सांदीपन गुरु है ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण एक बार किसी का भला सोच ले तो उसका बुरा पूरा ब्रह्मांड नहीं कर सकता, याद रखना। तू कौन से खेत की मूली है? निकम्मे बेशरम नंगे कहीं के। आई एम सॉरी अगर आपको उसे नहीं उसे लगे तो लगे, प्रॉमिस आई डोंट केयर। ये लोग गलत है भाई, हमारे ऊपर कटाक्ष मत करिए ना, धर्म के ऊपर। अच्छा करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम आपसे कहेंगे जाइए मूवी देखिए, अच्छी मूवी है, करिए धर्म का प्रचार। भगवान सबका कल्याण करे, सबका भला करे। अगर भगवान को पाना है तो राधा जी जैसा त्याग हो, तुलसी जैसा समर्पण हो, राधा जी जैसा विश्वास हो, तो भगवान तुमसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। भगवान तुम्हारे ही करीब रहेगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। तो आज ये सत्यवामा की कथा हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से भगवान के करीब रहना चाहिए, कैसे उनके पास में रहना चाहिए। और भी भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं द्वारिका में की हैं, एक दो नहीं, वहां तो 100 वर्ष रहे हैं। एक दो ऐसे भी लोग थे वो काट की भुजा लगाकर अपने आप को भगवान बनाते, पॉन्ट्रिक। वो कहते हम तो भगवान है, हमारी पूजा करो। फिर भगवान ने उसका भी वध किया। काफी लोग कहते हैं कि भगवान को इतना विवाह करने की क्या जरूरत थी, 16,108 क्यों विवाह किए। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर बताता हूं। ब्राह्मण साधु पुराण वेद इनसे धर्म की स्थापना होती है, और भगवान आते ही धर्म की स्थापना के लिए हैं।
परित्राणाय साधु नाम में बताया था कल आपको। एक भौमासुर नामक राक्षस जिसने सुन लिया कि कृष्ण इतने विवाह करेंगे, तो उसने मन में विचार किया कि मैं कृष्ण से ज्यादा विवाह करूंगा, और कृष्ण से अधिक विवाह करने का मनोरथ लेकर वो सभी जहां भी कन्याओं को देखता था उनको हरण कर लाता और एक जगह पर बंदी बना लेता था, एक ही जगह पर। एक दिन नारद जी ने उनकी पुकार सुनी, और नारद जी कौन है जानते हो? नारद जी भगवान का मन है। नारद जी की शुरुआत में जो लीला लगती है ना, वो खटपट वाली लगती है कि जरूर किसी में नारद जी का नाम आते ही ऐसा लगता है अब ये बढ़वाएंगे किसी को। लेकिन जब आप डी एंड में जाएंगे नारद जी के, जब वो लीला खत्म होगी, तो निश्चित तौर पर धर्म की रक्षा होगी और अधर्मियों का विनाश होगा। लड़ाई बिना छेड़े तो होगी नहीं, छेड़ने के तो लड़ाई करने के लिए कुछ तो छेड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? छेड़ना पड़ेगा ना, बेवजह तो लड़ाई नहीं होगी। छेड़ने का काम नारद जी करते हैं, बाकी का काम भगवान करते हैं। इसीलिए ये कौन है? नारद जी भगवान का मन है, भगवान का मन है। जो भगवान चाहते हैं नारद जी वही करते हैं। अब वहां पर देखा उन कन्याओं की पुकार नारद जी ने सुनी, तो द्वारकाधीश के समीप गए, प्रभु चलिए। बोले चलो। द्वारकाधीश अपने गरुण पर सत्यभामा को बैठाल कर ले गए, सत्यभामा को बैठाल के ले गए। भौमासुर को लगा कि हमसे युद्ध करने कृष्ण आए हैं, तो युद्ध करने लगा। अब वो भगवान को बार बार शस्त्र चलाता है, भगवान को निशाना बनाकर, पर भगवान बार बार उसे क्षमा किए दे रहे। अब एक तीर उसने चलाया जो भगवान के श्री अंग को छेदता हुआ निकला। अब भगवान को कष्ट हुआ ये देखकर सत्यभामा बड़ी, देखो भाई देवियों में बहुत दया होती है, तीन लोगों को कभी दुखी नहीं देख सकते, बताऊं किसको? आपको पता है ना कि बता दो, इन सबको पता है, पिता पति और पुत्र। ट्रिपल पी इनसे जुड़ा हुआ है, इनको ये कभी दुखी नहीं देख सकते। किसको? पिता पति और पुत्र। इसमें एक आजकल थोड़ा टेंशन एक पी पे क्रॉस लगा हुआ है, कभी कभी लग जाता है किसी के द्वारा, वो बीच वाला है, पहला और आखिरी तो अभी भी वही है। अब ये मैं देखो, मैं थोड़ी सामाजिक बात भी करता हूं, जो समाज में सच्चाई है बोलना पड़ता है, गलत तो नहीं बताओ। जो बीच वाला पी है पति परमेश्वर वाला पी, वो थोड़ा सा कभी कभी तो कई बार तो उसकी बेलन से खूब और जिन जिन की हो चुकी है उनको अनुभव होगा, वो कहे हाँ ठीक कह रहे, एकदम ठीक कह रहे हमारा। तो मतलब सबकी नहीं, किसी किसी का एक पी खराब है, बाकी किन दो पी की तो परफेक्ट चर्चा है। पुत्र और पिता और पति स्त्री तीनों को दुखी नहीं देख सकते, इनके ऊपर कोई संकट आ जाए तो देवियां अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती हैं, सर्वस्व। अब जब से कृष्ण को कष्ट हुआ तो सत्यभामा से देखा नहीं गया, सत्यभामा ने कहा प्रभु इसे मारो, प्रभु इसे मारो, प्रभु इसे मारो। और जैसे ही तीन बार सत्यभामा ने कहा मारो मारो मारो, तो एक सेकंड नहीं हुआ भगवान ने उसका वध कर दिया, एक सेकंड नहीं हुआ भगवान ने उसका वध कर दिया। अब सत्यभामा आश्चर्य में पड़ गई, प्रभु जब आप इतनी आसानी से इसे मार सकते हो तो इतनी देर से इसे खेल क्यों खिला रहे थे, इतनी देर से इसे मार क्यों नहीं रहे थे? भगवान बोले बिकॉज ऑफ यू मी, व्हाई?
भगवान भी बहुत बटरिंग करते हैं, सत्यभामा से कहते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना इसलिए। अरे तो प्रभु हमारे प्यार से इसको मारने का क्या संबंध है, इसे तो मार ही दो। बोले अभी आपको पता नहीं है इसका संबंध पक्का है। बोलो राधे राधे। संबंध पक्का है। क्या संबंध पक्का है? बोले तुम जानती हो कौन है? नहीं। बोले ये तुम्हारा ही पुत्र है, ये जो भौमासुर है ये भूमि का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है, और ये जो पृथ्वी का पुत्र है और जो सत्यभामा है वो भूमि के ही अंश से सत्यभामा है। तो जिस समय भौमासुर उत्पन्न हुआ उस समय पृथ्वी माँ को ये पता चला कि ये कृष्ण के ही हाथों से मारा जाएगा, तो भूमि माँ ने कहा हे प्रभु इसे आप मत मारना। देवी कृष्ण बोले, भगवान बोले, देखो जब तक कोई अपराध नहीं करे हम तो मारेंगे नहीं, अपराध करेगा तो हम मारेंगे। बोले नहीं नहीं प्रभु ये आप हमारा ही पुत्र है, आप ही का पुत्र है, आप इसे दया करना। बोले ठीक है दया कर देंगे लेकिन अगर अपराध करेगा तो मारना तो पड़ेगा। बोले ठीक है प्रभु आप तब मारना जब मैं आपको 3 बार कहूं। अब 1 बार तो मैं भी कभी गुस्से में कह सकती हूं, 2 बार भी मैं कभी गुस्से में कह, लेकिन जब मैं 3 बार कहूं तब पक्का समझना। भगवान बोले जैसी तुम्हारी मर्जी, जब तक तुम 3 बार नहीं कहोगी तब तक हम इसे नहीं मारेंगे। भगवान ने वचन दे दिया। अब वही भूमि सत्यभामा के रूप में साथ में, अब भगवान का कष्ट सत्यभामा से देखा नहीं गया और तुरंत गुस्से में बोल उठी मारो इसे, इसे मारो, इसे मारो, 3 बार कही और भगवान जैड़ पैड़ खत्म, 1 सेकंड नहीं भाई खत्म कर दी। तब वो सत्यभामा कहती है प्रभु ऐसे दुष्ट से तो बढ़िया है कि ये मरी जाए, जो धर्म को ना समझे, जो पर पीड़ा को ना समझे। देखिए मेरे भाई बहन ये महान अपराध है। बहुत से लोग कहते हमने कोई पाप नहीं किया, आप करते हो पाप, आप किसी को दुख दे के पाप करते हो, आप किसी के विषय में अपशब्द बोल के पाप करते हो, आप किसी के प्रति निंदा करके पाप। भाई आत्मवत्सर भूतेषु, जैसे आपको भगवान ने बनाया है वैसे मुझे भी भगवान ने बनाया है, और जैसे मुझे बनाया है वैसे इन सबको बनाया है। वो परमात्मा ही है जिसने हम सबको बनाया है, और आप अपने मुंह से परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को अगर उल्टा सीधा बोलते हो इसका मतलब है आप ना सिर्फ उसको कष्ट पहुंचा रहे हो अपितु परमात्मा की रचना पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। यू डोंट हैव राइट, तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम भगवान की रचना को गाली दे सको या उसकी बुराई कर सको। आप किसी की निंदा नहीं कर सकते, आप किसी की चुगली नहीं कर सकते, आप किसी को बुरा नहीं कह सकते। क्यों? आत्मसर्वभूतेषु। अब आप कह रहे होंगे महाराज आप तो इतनी देर से इन लोगों के पीछे पड़े हुए हो, वो उसका क्या? सच्ची बताऊं जो धर्म के विरुद्ध हो वो अच्छी आत्मा हो ही नहीं सकती। जो धर्म के साथ, मेरे कृष्ण ने भी तो ऐसे अधर्मियों को मारा और मरवाया, ये कृष्ण का ही चरित्र है, ये राम का चरित्र है, ये नरसिंह का चरित्र है, ये परशुराम का चरित्र है। भगवान कहते हैं जो धर्म की पथ पर चलता हो ऐसे लोगों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों की बुराई न सुने न सुनाए और किसी के अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश भी न करे। तो मेरे भाई बहन मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, इनके कर्म की बुराई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे धर्म की चिंता है, मुझे इनसे पर्सनल कोई लेना देना नहीं है, किसी से भी नहीं है मुझे, मुझे लेना देना है आपसे, मुझे लेना देना है मेरे ठाकुर से, मुझे लेना देना है मेरे धर्म से, और धर्म की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा।
इसके लिए अगर मुझे पाप लगे तो मुझे वो भी स्वीकार है, लेकिन आत्मवत् सर्वभूतेषु मानवता का धर्म है कि आपको अगर भगवान ने बनाया तो उसको भी भगवान ने बनाया, आप किसी का किसी को दोष कष्ट नहीं पहुंचा सकते, नहीं आपके पास अधिकार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो जो भौमासुर है वो इतनी कन्याओं का हरण करके लाया है और उन सबको कष्ट दे रहा है, 16,100 हैं, भगवान ने उसका वध किया और वध करके उन कन्याओं से कहा, हे कन्याओं अब तुम अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। वो कन्या कहती है, प्रभु अब हम कहाँ जाएं, अपने अपने घर चली जाओ जहाँ से लाया था ये। बोले क्या ये घर वाले हमें स्वीकार करेंगे? करेंगे बताइए, घर वाले आपको स्वीकार करें, इन कन्याओं करें स्वीकार? कन्या कहती है, महाराज हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पहला आत्मदाह कर लें, एक और है अपनी आजीविका पालन करने के लिए हम दुष्कर्म करें और अपने उदर की पूर्ति करें। आत्मदाह बहुत बड़ा अपराध है, इस संसार में सबसे अनमोल गिफ्ट अगर कोई है तो वो है मानव जीवन जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है। इस मानव जीवन को मिटाने का अधिकार भी उसी को है जिसने दिया, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं। अभी एग्जाम आने वाले हैं, फिर रिजल्ट आने वाला होगा, हमारे बच्चों पे काफी समस्याएं आ जाती हैं एग्जाम देते हुए, और एग्जाम में अगर कमजोर हो जाएं थोड़े से भी तो वो तुरंत एक फैसला करते हैं, चलो जी आत्महत्या कर लेते हैं। याद रखना, इफ यू फेल देन यू विल ट्राई अगेन, इफ यू फेल 1,000 times, अगर 1,000 बार भी फेल हो जाओ तो भी वो छोटी हार है, सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम अपनी जिंदगी को ही हार बैठते हो, सबसे बड़ी हार है। सारी हारों की भरपाई हो सकती है लेकिन इस हार की कोई भरपाई नहीं, कोई भी भरपाई नहीं। इसलिए जितने भी यंग बच्चे यहां बैठे हैं, अगर एग्जाम देना है, अगर आपका मित्र भी कोई एग्जाम देने वाला हो तो उसी को यही बात समझाओ, नहीं आत्महत्या कोई समस्या का सलूशन नहीं है, फेल हो गए तो हो गए, दोबारा ट्राई करो तिवारा, और नहीं इसमें फेल हुए ना इसका मतलब भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और व्यवस्था कर रखी है, अभी मुझे और तुम्हें दिख नहीं रही, जब वो मेरे सामने आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। जिंदगी अनमोल है, और जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या मिलेगा तुम्हारे हाथ में? कुछ भी नहीं। इसलिए आप सब जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, इस बात को गांठ मार के अपने पास रखो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। चाहे जो हो जाए, आत्महत्या टाइप का थिंकिंग कभी नहीं आना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था ना, 3 चीजें होती हैं जो बिना विचारे करनी होती हैं। 3 चीजें क्या हैं? आत्महत्या, सुसाइड, डोनेशन और एक त्याग। आपको अगर वैराग्य उत्पन्न हो जाए किसी के शब्दों से और आप सोचो कि मैं कल घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो कल नहीं छोड़ सकते आप। छोड़ना हो तो आज छोड़ो, अभी, जस्ट नाउ। अगर कल के बारे में सोचोगे, आई विल गो टू टुमोरो, इम्पॉसिबल, क्योंकि तब तक टुमोरो जब होगा उससे पहले पहले कोई भी सॉरी बोल देगा, कोई कुछ हो जाएगा, तेरा भी मन बदल जाएगा और तू फिर कैंसिल कर लेगा। आत्महत्या करने वाला अगर थोड़ा सोच ले तो वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, और दान करने वाला अगर सोच ले कि मैं करूं कि नहीं करूं तो वो दान कभी नहीं कर सकता। पहले दान देते वक्त तो लोग सोचते नहीं थे, जान भी दे देते थे, आजकल 10 रुपए भी दें तो दान सोचते हैं, हनुमान जी पे चढ़ाऊं, गणेश जी पे,
सच कसम से 10 रुपए भी चढ़ाएंगे और मंदिर में कई देवता हों और अगर लक्ष्मी जी वही तो सब देवता देखते रह जाएंगे, लक्ष्मी पे ही चढ़ाएगा जाएगा, सब देवता ठाड़े रहेंगे। अब मंदिर में गए तो इतने देवता हैं, कोई तो सोचेगा मेरे को मानने वाला आएगा, इधर आएगा इधर आएगा, लेकिन अगर लक्ष्मी जी का मंदिर वहाँ है तो डायरेक्ट उसे पता है खजाने की चाबी यहाँ है, सीधा वहीं, तुमेव माता च पिता तुमेव। नारायण कह रहे यार बाप तुम्यू 50-50 कर लें तो, बोले आई एम सॉरी डैड, शी इज माई मदर, शी गिव्स मी एवरीथिंग, सो आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, नेक्स्ट टाइम भी जब तो भगवान नारायण जब भाई तू यहीं जा रहा हो तो फिर भी यहीं जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, दान देते वक्त भी हम सोचते हैं कि कौन सो देवी देवता हमें ज्यादा देगो रिटर्न, कौन सी बैंक में जमा किया जाए जहां से रिटर्न अच्छा मिले। तो तीनों चीजें, लेकिन हाँ एक चीज में मैं जरूर कहूंगा, सुसाइड करते वक्त तो लाख बार सोचना चाहिए, कितना अनमोल जीवन है ना, कितना अनमोल जीवन है, एक एक आंख लाखों लाखों रुपए की है, एक एक हाथ पता नहीं कितने का आया, जीवन तो अरबों खरबों का है, कैसे हम इस जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, ये गिफ्ट भगवान ने दिया है इसलिए सोचना भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं हम आत्महत्या कर लेंगे, बोले नहीं, तो हम कुमार्ग पर चले जाएं, बोले नहीं, दोनों ही पाप है, आत्महत्या करना भी पाप है और कुमार्ग पर जाना भी पाप है, तो फिर क्या करें। हे प्रभु हमने एक बात सुनी है, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, कैन पॉसिबल, डियर मैरी मी, क्या आप हमसे शादी कर सकते हैं। सत्यभामा की तरफ देख रहे हैं, 8 तो माँ आते हैं और जी और कह रही हैं, सत्यभामा जी बोली महाराज कर ले, अब कहा है कोई पत्नी नहीं कह सकती दूसरी शादी कर लो, कह सकती जान ले लूंगी सोची, तो दोता है उठन नहीं दूंगी, तो सोचू मत लियो, सुनो है, बोले हाँ देवी तथास्तु बोलते हो ना, लेकिन ऐसा नहीं, इस संसार में जितने भी पुरुष स्त्री हैं वो सब परमात्मा की ही पत्नी है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम आप जो यहां हैं, वो जो यहां नहीं है वो भी, ये सब परमात्मा की पत्नी, सब की सब। बड़ी जल्दी समझ गए, जल्दी समझ में आ गई बात, वो आत्महत्या न करें, वो कुमार्ग पर न जाएं, इसलिए भगवान ने उनके साथ में विवाह किया, इसलिए उनका विवाह, भगवान ने उनके साथ में विवाह। अब बताइए धर्म की रक्षा है कि संख्या बढ़ाना है, बोलिए। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती, और पक्की बात है नो वन कैन अंडरस्टैंड अबाउट कृष्णा इटसेल्फ, ही इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, वो एकदम अलग है, इज अ वेरी डिफरेंट। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, बड़े बड़े ऋषि मुनि कृष्ण के उस परम तत्व को समझ नहीं पाते, क्यों, वो जो रास रचाता है वही महाभारत में गीता का ज्ञान सुनाता है और वही 16108 कन्याओं के साथ में विवाह करता है, और ऐसे ही नहीं सभी पटरानियों के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, हेलो टोटल कर, है कोई पढ़ा लिखा, हाँ भाई खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू अरे तू खड़ा हो ना पीछे पीछे, हाँ खड़ा हो, हाँ 16108 हैं, 10-10 पुत्र हैं, टोटल कर कितने भाई, रुक जाइए जैसे पूछ रहा हूँ सिर्फ वही बताएगा, 1 लाख, 1 लाख 60,000, बस 1,61,000
80 टोटल होएंगे, 10-10 पुत्र से लगाओ। पढ़े लिखे लोग तुमसे तो मैं अनपढ़ ठीक हूं, फिर बैठ जाए। 161,080 होंगे, ना करे मोबाइल कम, और 10-10 एक एक कन्या और ऊपर थे। सुन लीजिए, 16,108 पत्नियों पर 10-10 पुत्र और एक एक, ये भगवान को परिवार है, ये अकेले कृष्ण को परिवार है। पुत्री पुत्र है गए 161,080। अब 16,000 कितनी कन्या और जोड़ो ना, 16,108 कन्या और जोड़ो, लगा हुआ कि मोबाइल में लगा भैया। हाँ आ गया जल्दी आ, भक्के बताओ कितनी भाई। एक लाख कंप्यूटर ने करो ना काम, है ना, कैसे भी करो या नहीं करो तो सही ताली बजाओ। भगवान की टोटल संतान है 177,188। बैठ जा, इतना परिवार है ठाकुर जी का संतान का, 177,188। ओह माय गॉड, चिंता मत करे, तू पैते डोनेशन मीन्स टैक्स मांगने नहीं आएंगे, टेंशन मत कर। ही इज एबल टू डू एवरीथिंग, वो इस लायक है, वो सब कुछ कर लेगा। और सच्चाई तो यह है वो ना सिर्फ उनका उदर भरता है अपितु वो हम सबका उदर भरता है, हम सबका। अब आप अगर हम यही समझें तो कृष्ण को समझना बहुत टेढ़ी खीर है मेरे भाई बहन। एक संतान के बीच में कम से कम 9 महीने का गैप तो होता ही है, एक साल में एक पुत्र भी होता हो, एक साल में 2 बच्चे भी होते हो, तो 100 वर्ष द्वारिका में रहे श्री कृष्ण। आपके और हमारे संतान 9 महीने में होती है ना, थोड़ा बच्चों का भ्रम दूर कर रहा हूं मैं, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, जो आए हैं ना, जो जानते तो है नहीं भगवान को, वो एम ही चढ़े डोल रहे हैं झाड़ पे। कृष्ण तो रास रचाते थे ऐसे कह रहे हो जैसे आके नानी के संग रास रचा भगवान ने, रचाओ का। कृष्ण तो रास रचाते थे निकम्मो आदमी, रास रचाते थे वो मैं कल बता चुका हूं कि 6.5-7 बरस का बच्चा कैसा रास रचाता है, कामदेव को परास्त करता है वो उस रास में। अब वो सब पे 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री, एक बच्चे को होने में 9 महीने लगते हैं, तो 100 बरस तो वो संतान पैदा करने में रहेगा होगा, और तो वहां पे कोई काम ना हो, फिर द्वारिका चलाई को नहीं। बता दूं कि नहीं बताऊं, हाथ जोड़िए भगवान से कहिए कुछ हमें भी सद्बुद्धि दे दो, जाते हमारी बुद्धि अलग अलग न भटके करे, भ्रष्ट न हो, हाथ जोड़ो पहले और भगवान से कहो कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट न हो, यूं क्यों भ्रष्ट न हो, बोलो। हाथ नहीं जोड़े अभी,
मैं अपे तो उजड़वा रहा हूँ ठाकुर जी के जोड़ो। बोले हमारी बुद्धि कबू भ्रष्ट न हो। बोलो हम हमेशा यूं ही लगे रहे अच्छाई में। भगवान को संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री के संग की जरूरत नहीं होती। जैसे हमारे और आपके शरीर में हड्डियां भी हैं, मांस भी है, रक्त भी है, टोटल गंदगी हमारे शरीर में है, तन में है। परमात्मा के तन में ये सब चीजें नहीं है, उनका दिव्य चिन्ह में बदन है। नित्य दिव्य चिन्मय तन है मेरे प्रभु का अंग है, जहां हड्डियों का कोई निवास नहीं है, जिस तन में मलमूत्र का कोई निवास नहीं है। मेरे प्रभु जो लीला करते हैं उनका स्वभाव अलग है, उनका तन सुंदरता में अलग है, उनका निवास एकदम जैसे हमारा और आपका वैसा नहीं है। तो बड़े संतान कैसे? बोले कि सिर्फ कल्पना मात्र से, संकल्प मात्र से। कई प्रमाण है, एक प्रमाण दे देता हूं। जब नारायण ने ब्रह्मा जी को पैदा किया तो संकल्प मात्र से पैदा किया। उनके मन में इच्छा हुई कि एक में से बहुत हो जाऊं, उसी समय नाभि में से कमल हो गया। वहां कोई स्त्री तो नहीं थी, कोई तो नहीं थी, एक प्रमाण। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है जो आज और कल भी हम लोग और आप सब देखते हैं। आप मोर के विषय में जानते हो? मैं आपको ये बहुत अच्छी जो नई पहली बार कथा, जो ऑलरेडी पहले सुन चुके उनको मालूम है मोर के विषय में, मैं बता चुका हूं कई बार। मोर कभी भी स्त्री का संग नहीं करता, फिर भी संतान होती है। कैसे होती है? बोले जब मोर रोता है तो मोरनी मोर के आंसू पान करती है, जिससे गर्भ धारण करती है। और इसीलिए परमात्मा मोर पंख धारण करते हैं श्री कृष्ण अपने सर पे, मुकुट पे। मानो इशारा है, जैसे ये मोर मेरी सृष्टि में ब्रह्मचारी है, वैसे मैं भी ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचारी का मतलब है जिसने कभी स्त्री का संग न किया हो। स्त्री का संग मीन्स ऐसे नहीं जैसे आप हैं, अब तो हम सब संगी बैठे, इसको संग नहीं कहते। जैसे पति पत्नी का संग होता है, वैसे भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं। लेकिन इस बात को समझेगा कौन? इसे समझने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। न हमारे पास टाइम है, न हमारे पास में दिल है। हम सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हैं दुनिया के लिए। अपने बच्चे संभलते नहीं, भगवान के बच्चों पर उंगली उठाते हैं। तो आप कल्पना करिए, जिसकी सृष्टि में मोर बिना पत्नी स्त्री का संग किए संतान उत्पन्न कर सकता है, तो वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? बोलिए। भगवान ने, अगर भगवान ऐसे हमारी तुम्हारी तरह संतान उत्पन्न होती उनके यहां, तो काऊ के यहां 6 होते, काऊ के यहां 15 होते, काऊ के यहां 2 ही रह जाते। एक ही बार में संकल्प किया और सबको 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का फल प्राप्त हुआ। कृष्ण ब्रह्मचारी है, लेकिन वो कृष्ण प्रेमियों का प्रेमी है। इतना बड़ा प्रेमी है कि बस जो चाह ले उसे कृष्ण वही देते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना, और जोर से बोलना पड़े। तो कृष्ण की ये लीलाएं, मेरे प्रभु की ये सुंदर सुंदर लीलाएं हम सबको सुख प्रदान करती हैं। भागवत का ध्येय है, उद्देश्य ही है आप सबको परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंचा देना। जो जीव भागवत की शरणागति आ जाता है, ये जो भागवत है ना, ध्यान से सुनना, ये भागवत क्या है? ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे,
भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण उससे यम डरे। ममता घटे विपता मिटे और संपदा घर में भरे। कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन करे। ये भागवत क्या है? बोले कृष्ण स्वरूप है, हरि रूप है, गोविंद का स्वरूप है। ये अलग नहीं है कृष्ण से, बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसका जो नित्य चिंतन करता है, स्मरण करता है, श्रवण करता है, उसे क्या होता है? ममता घटे। सभी विपत्तियों की जड़ है ममता। पाप भी करवाती है ममता। जन संसार के आवागमन बंधन में डाले रखती है ममता। तो भागवत सुनने जो सच्चे मन से भागवत सुनते हैं उनकी ममता समाप्त होती है। ममता घटे विपता मिटे। प्राकृतिक जो विपत्ति है, जन्म जन्म की जो विपत्ति है, उससे मुक्ति मिलती है। विपता मिटे और संपदा घर में भरे। संपदा का मतलब नोट तुम्हारे घर में नहीं भरे। कृष्ण भक्ति की जो संपदा है जीवन में, आध्यात्मिक जो संपदा है जीवन में, हरि को पाने के लिए जो भक्ति की संपदा है, जितनी बार आप कथा सुनते चले जाओगे भक्ति रूपी संपदा तुम्हारे घर में भरती चली जाएगी, भरती चली जाएगी, भरती। तुम माला माल हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। कौन होंगे माला माल? जो भगवान की भागवत कथा को श्रवण करेंगे, प्रभु की कथा में अपना ध्यान देंगे, अपनी रुचि देंगे, उनको वो माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, वो माला माल हो गए। एक वो भजन है ना, आपने सुना है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। ऊंचा थोड़ा सा, आप सबसे एक प्रार्थना है मेरी, मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। Yeah.
वालो सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। चांदी सोने वालो सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। चांदी सोने वालों सुन लो एक दिन आएगा। चांदी सोने वालों सुन लो एक दिन आएगा। धन दौलत और मालिक जाना यही पड़ा रहे जाएगा। ओ धन दौलत और माल खजाना पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम प्यारा सुर बचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ सभी गली। सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं खरी खरी। राम नाम के हीरे मोती, राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ा और जोर से। भगवान श्री कृष्ण की एक कथा बहुत प्यारी है, सुदामा चरित्र। वो दीनों को अपना मित्र बनाते हैं। इस संसार में रूल तो यह है, मर्यादा तो यह है कि अपने ही बराबर के लोगों से मित्रता की जाती है। जो हमारी बराबर का हो, जो हमारे लेवल का हो, मनी वाइज, पोस्ट वाइज, लेवल वाइज, जो मेरे लेवल का हो, हम लोग उससे मित्रता करते हैं। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में क्या कोई कृष्ण के लेवल का है? कहां सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जोग। क्या सुदामा कृष्ण की मित्रता के योग्य हैं? कदापि नहीं, कदाचित नहीं, ये हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। ये कथा मैं क्यों सुनाता हूं? क्योंकि आज कल के नौजवानों को बर्बाद करने वाले उन्हीं के फ्रेंड हैं, कोई और नहीं है। आप लोगों को धर्म से भटकाने वाले आपके फ्रेंड हैं,
आपको अपने माँ बाप के अगेंस्ट करने वाले आपके फ्रेंड हैं, आपको असभ्य बनाने वाले आपके फ्रेंड हैं, आपको अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कराना सिखाने वाले आपके फ्रेंड हैं। फ्रेंड मीन्स मित्र। कैसा होना चाहिए मित्र? जो तुम्हें डूबने से बचा ले, जो तुम्हें कहीं गिरने ना दे, जब तुम गिरने लगो तो तुम्हें संभाल ले, तुम्हें रोक ले, तुम्हें कहीं अगर अच्छे और बुरे का ज्ञान न रहे तो उस समय वो तुम्हें बता सके, दिस इज अ बैड, दिस इज अ गुड। वो तुम्हें एडवाइस भी ऐसे दे जो उसके मतलब की नहीं तुम्हारे मतलब की हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस हिंदुस्तान में एडवाइस तो फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, लेकिन गंदी एडवाइस मिलती है और उसमें गुनाह उनका नहीं है, गुनाह आप ही का है। आप भी तो अच्छी एडवाइस लेना नहीं चाहते। आपको अच्छी एडवाइस मुफ्त में मिलती है इसलिए आप अच्छाई से भाग जाते हो। अरे मुफ्त में दे रहा है, मुफ्त में दी हुई दवा भी काम नहीं करती है साहब। पहले से सोच लेता ये क्या दवा देगा, फ्री में कोई चार्ज तो ले नहीं रहा, इसकी दवा में दम नहीं होगा तभी फ्री में बांट रहा है। बिना कुछ चेक किए हमने अपना ओपिनियन उसके लिए बना लिया, बिना किसी को जाने उसके विषय में। हिंदुस्तान के आजकल के लोग बिना जाने पहचाने अपना ओपिनियन बना लेते हैं सिर्फ किसी के बारे में सुन के ही। सच्चाई यह है जब तक किसी को जानो नहीं पहचानो नहीं तब तक अपना ओपिनियन मत बनाओ उसके लिए, अपना विचारधारा थिंकिंग सेट मत करो। अगर पहले से ही आप थिंकिंग बना लोगे तो आप अच्छे को भी बुरा समझ लोगे फिर, पहले से नहीं सोचो समझो फिर करो। हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं, मैं यहां जितने भी बच्चे बैठे हैं सब सिर्फ अनमैरिड बच्चे, हाथ उठाइए, जितने भी अनमैरिड बच्चे हैं हाथ उठाइए, यहां वहां आगे पीछे कहीं भी, देखिए कितनी बड़ी संख्या, हाथ उठाइए ऊपर ऊपर करिए ना। और ये मैं जो प्रश्न करूंगा यहां से आप ही को जवाब देना है और कोई नहीं बोलेगा, ऊपर रखिए हाथ, आपको जवाब देते रहना है और जब तक जवाब पूरे ना हो जाए हाथ ऊपर रखना। आपको स्मोकिंग करना, आपको स्मोकिंग कराना कौन सिखाता है, आपके मम्मी पापा, गुरु पुराण या फ्रेंड? आपको ड्रिंक करना कौन सिखाता है, मम्मी पापा, गुरु पुराण अथवा फ्रेंड? आपको मूवी दिखाना कौन सिखाता है, आपके मम्मी पापा, गुरु पुराण वेद या आपके फ्रेंड? आपको अपने माँ बाप का अपमान करना या उनकी बात न मानना कौन सिखाता है, आपके मम्मी पापा, गुरु वेद पुराण या आपके फ्रेंड? आपको बहुत गंदी से गंदी हरकतें करना कौन सिखाता है, वेद पुराण, माता पिता, गुरु अथवा आपके फ्रेंड? इसके बावजूद भी आप सबसे ज्यादा साथ में रहना चाहते हो अपने फ्रेंड के, अपने माँ बाप के नहीं, अपने वेद के साथ नहीं, पुराण के साथ नहीं, अपने गुरु के साथ नहीं। ये बात आपने जवाब दी है, मैंने नहीं, मैंने तो सिर्फ पूछा है। और गलत गलत चीजें मोबाइल पे जो वो सेंड वेंड करते रहते हैं, इट मीन्स आपको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये सब किया आपके दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने। और अगर आपका फ्रेंड ऐसा है तो मेरी व्यासपीठ ऐसा मानती है कि तुम्हें दुश्मन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड ही काफी है। तुम्हारे दुश्मन को तो पता है, उसको तो तुम जानते हो कि वो तुम्हारा बुरा करेगा, लेकिन जिसके हाथ में हाथ डालकर तुम गंदी गंदी बातें करते हो, मूवी देखते हो, स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, वो तुम्हें ऐसी मौत मार रहा है कि रहता तो तुम्हारे ही साथ है लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम मौत के गाल में जा रहे हो धीरे 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 धीरे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि तुम सिर्फ अपने दोस्त की बात मानते हो, अपने माँ बाप की नहीं, अपने वेद की नहीं, अपने पुराणों की नहीं, संत महात्माओं की नहीं। अरे भाई
अपना अच्छा अपना बुरा तो पशु भी जानते हैं, क्या तुम पशुओं से भी बदतर हो? क्या तुम में पशुओं जैसी भी सोच नहीं है? पशु भी जानता है कि अगर गड्ढे में गिरूंगा तो मेरे हाथ पैर टूटेंगे, मेरी जान जा सकती है। तुम्हें नहीं पता कि ड्रिंक करोगे तो तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा? तुम्हें नहीं पता स्मोकिंग करोगे तो तुम्हारा अंदर डैमेज होगा? तुम्हें नहीं पता मूवी देखोगे तो तुम्हारा करेक्टर डैमेज हो जाएगा? हरिश्चंद्र वाली मूवी तो आ नहीं रही, मीरा वाली मूवी तो आ नहीं रही, ध्रुव वाली मूवी तो आ नहीं रही, नरसी वाली मूवी तो आ नहीं रही। कैसी मूवी आ रही है वो तुम्हें पता है? तो इससे तुम्हारा करेक्टर डैमेज नहीं होगा? और जो मोबाइल पे आप सेंड करते रहते हो उससे भी तुम्हारा करेक्टर डैमेज होगा, मेंटल डिस्टर्ब हो जाओगे। और फिर भी तुम्हारा दोस्त वही जो तुम्हें नीचे गिराना चाहता है। मेरी इन बातों को आप चाहे तो हंसी में टाल देना अथवा अपने जीवन को संवारने के लिए काम में ले लेना, इट्स डिपेंड ऑफ यू। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर नहीं। मेरा काम है कहना और कह के चले जाना, लेकिन परिणाम तुम्ही को भोगना पड़ेगा। नो वन कैन सेव यू आफ्टर दैट। इफ यू डूइंग सम बैड वर्क देन गॉड विल पनिश यू। यू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट माय डियर। मैं ब्याज के भोगना पड़ेगा तुम्हें। अगर हम किसी को किसी के माथे में गंदी विचार डालते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी, हमारे पीढ़ी भी किसी के द्वारा डैमेज होगी। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, मैं आपका कोई रिश्तेदार तो नहीं, मैं आपके कोई परिवारिक जन तो नहीं हूं, मैं आपका कुछ नहीं लगता हूं, लेकिन एक चीज मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग जो मुझे ठीक लगता है, मैं अपने नौजवान भाई बहनों से कहना चाहूँगा, अगर तुम सुधर गए तो आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी, और अगर तुम बिगड़ गए तो सब तबाह हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। लोग कहते हैं लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, व्हाट इज द लव जिहाद? अगर तुम्हें लव ही करना है तो ठाकुर से करना। पीढ़ी दर जाएगी मेरे प्यारे, पीढ़ी दर जाएगी। तेरे पे फुर्सत कहां है लव करने की दुनिया से? तू लव करेगा तो जिहाद होगा। अगर तुझे प्यार ही करना है तो मेरे सांवरिया से कर, वही लव है, वही जिहाद है, वही सब कुछ है। करके देख ले उसे प्यार। और हाँ, उससे प्यार करेगा ना तो ये तो कुछ भी करेगा, कोई धर्म बदलवाएगा, कोई ये बदलवाएगा, कोई ये बदलवाएगा, कोई ये बदलवाएगा। मेरे कन्हैया से प्यार करेगा तो मेरा कन्हैया तेरे लिए बदल जाएगा। व्हाट एवर यू वॉन्ट ही गिव यू, वो सब कुछ तुम्हें देगा। तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, छोटा सा घर बना ले, छोटा सा घर बना ले, गोविंद की बस्ती में छोटा सा घर बना ले, गोविंद की बस्ती पूरा तेरा देखा ले, और जो मले मस्ती पूरा सभी से। जितने भी बच्चे हैं वो बैठ जाइए।
और कुछ नहीं करना, और दोनों हाथ ऊपर करके दीवानों आके दे
हाथ ऊपर करिए। सभी से एक प्रश्न करना चाहता हूं, बताओ दोस्ती कैसी चाहिए, फ्रेंडशिप कैसी चाहिए, जो तार दे अथवा मार दे? बोलिए।
अगर तार दे वाली दोस्ती चाहिए तो मेरे भाई बहन अपने माँ बाप, अपने गुरु और अपने परमात्मा से ही दोस्ती करना और किसी से नहीं। हमारे ब्रिज में कहावत है, अपनो मारेगो तो छाया में तो डारेगो, अपनो मारेगो तो छाया में डारेगो और दूसरों मारेगो तो पटरी पे डारे आवेगो। कहाँ डारे आवेगो? मरे पीछे टुकड़ा केऊ हो। न गुरु मारता है, न गोविंद मारता है, न माँ मारती है, न पिता मारता है, न तेरा धर्म मारता है, ये सब तारते हैं तुझे। चलो बताओ आज मेरे कन्हैया से कौन कौन फ्रेंडशिप करना चाहता है? हाथ वही उठाना जो कृष्ण को अपना मित्र बनाने के बाद किसी और का मोबाइल नंबर न मांगे। ये हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। अगर नहीं बनाना तो नीचे करो। तुम्हें कसम लगे अगर झूठा आश्वासन मुझे दिया तो, वही लोग हाथ उठाइए जो अपने जीवन में अपने कृष्ण को ही सच्चा मित्र बनाना चाहते हैं, अपने गोविंद को सच्चा मित्र बनाना चाहते हैं। आज के बाद हमारी दुनिया में ऐसे झूठे दोस्तों की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, कोई जगह। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करके ये चीज करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा ठाकुर इस दोस्ती को ऐसे निभाएगा जैसे सुदामा के साथ निभाई, वो तेरे साथ भी निभाएगा। लेकिन शर्त इतनी है, सुदामा ने फिर कोई दूसरा मित्र नहीं बनाया था, वो फ्रेंडशिप पक्की और मजबूत उसी के साथ थी। हमारा कन्फ्यूजन बहुत है, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, वहीं पर फेल हो जा रहे हैं। सिर्फ एक वही तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू हर जगह तू है, हृदय में, नयनों में, बहनों में, श्रवणों में, एक ही तू, सिर्फ तू, तू ही तू, तू ही तू, सिर्फ तू है। तो मुझे नहीं पता कि किस किसने दिल से स्वीकार किया होगा, लेकिन जिसने भी दिल से स्वीकार किया है वो घर तर गया, वो हृदय तर गया, वो जीवन तर गया, इस बात की मैं पक्की गारंटी दे सकता हूँ आपको, पक्की। सुदामा चरित्र कहूँगा, बहुत प्रसंग है। ये प्रसंग शुरुआत में मैंने इसलिए कह दिया आपको क्योंकि कृष्ण और सुदामा की मित्रता का ज्ञान बोध हमको होना चाहिए। कई बार आपने कथा में सुना है, सुदामा को कृष्ण ने अपना मित्र बनाया, उसके सारे संकट काटे। एक बार मित्र ने बड़ा गलत कर दिया, सुदामा ने क्या, सुदामा ने कृष्ण के बट के चना खा लिए। ये प्रारब्ध है, ये कर्म है, कर्म की सजा तुम्हें भोगनी पड़ती है। जब कृष्ण के बट के चना सुदामा खाते हैं तो उन्हें पनिशमेंट झेलनी पड़ती है, उन्हें दंड, उन्हें भोगना पड़ता है। क्या, वो खुद भिक्षुक बन जाते हैं, दर दर पे मांगते हैं। बुरा भक्ति यह है कि घर में एक दाना भी नहीं है। कृष्ण का मित्र है, बच्चे भूखे हैं, लेकिन उनका धैर्य नहीं डगमगाया। आजकल बेईमान होने के लिए लोग बड़ा बड़ा चीज दिखाते, अरे भूखे मर रहे थे, चोरी करना क्या गुनाह है, किसी को मारना क्या गुनाह है, बच्चों का पेट भरना है, अरे किसी को मार के पेट भरोगे, किसी का हक छीन के पेट भरोगे, बेईमानी की कमाई करके बच्चों का पेट भरोगे, उन्हें पैदाइशी बेईमान पैदा करोगे। हे मेरे भाई बहन, ईमानदारी की एक रोटी तेरे जीवन के लिए पर्याप्त है, और बेईमानी की 100 भी खाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। एक खा ले ईमानदारी की, सिर्फ एक, मेरा ठाकुर तुझे भूखा नहीं मरने देगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। सिर्फ ईमानदारी की खाइयो, कठिनाई तो होगी, तकलीफ तो होगी। अब आप सोचो हम ईमानदारी के साथ जिए तो ये दुनिया वाले जो बेईमान लोग हैं वो तुम्हें जीने देंगे, पर तुम डटे रहना, उन्हें भोगना पड़ेगा।
उन्हें भोगना पड़ेगा। आज कहां गए वो, कौन से सिंह है, कहां है वो, क्यों है? तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे। अरे चिता में लगाए कि मरे उसका, ये चिता में जरवावे पे संग, किसी के काम नहीं आने वाला है। सुदामा ने कृष्ण के बट के चना खा लिए, ये अपराध हो गया। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, जीवन में कभी भी किसी का हक मत खाना। और जब सुदामा ने खा लिए तो अब फल कैसे वापस मिले, तो कृष्ण के इशारे पर, कृष्ण के कहने पर वो द्वारका आते हैं। प्रेरणा से द्वारका पहुंचते हैं, अपने पास से दो मुट्ठी चावल कृष्ण को खिलाते हैं। एक बात याद रखिए, सुदामा को भी कृष्ण ने तब तक नहीं दिया जब तक सुदामा ने, वो गरीबी में है बेचारा, जिसके पास एक दाना नहीं है खाने के लिए, अन्न का एक दाना, उससे कहा, प्रेरणा दी कि पहले तू मेरे पास आ, मुझे कुछ दे, उसके बाद मैं तुझे दूंगा। क्यों? ये विधान है, ये नियम है, जब तक तू बीज नहीं बोएगा तब तक तुझे फसल नहीं मिलेगी काटने को। चावल मांग के लेकर आए किसी के यहां से, और वो जाकर कृष्ण को दिए। कृष्ण ने दो मुट्ठी चावल खाए और दो मुट्ठी तंदुल खाए कृष्ण ने, और क्या दिया, बोले दो लोग की संपत्ति, इतना तुम्हें कोई दे सकता है? कोई भी? दो कमरे दे सकता है तुम्हारा कोई रिश्तेदार? दो कमरा छोड़ दो गज भी जमीन दे सकता है? यहां सब लेना जानते हैं, देना नहीं जानता, और मेरा कृष्ण देना जानता है, लेना नहीं जानता। वो देना जानता है ना, उसे मालूम है किसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए। दो मुट्ठी चावल खाकर कोई दो लोग दे सकता है क्या? कृष्ण ने दिया, कृष्ण दे रहा है। हे मेरे भाई बहन, मेरी बातों को मिथ्या मत लेना, सच कहता हूं, मेरे कृष्ण से अपनी पहचान बढ़ा ले। जब तेरी पहचान मेरे गोविंद से हो जाएगी तो तुझे और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब तेरे हो जाएंगे, सब के सब, सब तेरे। जो सुदामा को दे सकता है ना, वो तुझे भी दे सकता है। दुनिया की दोस्ती, दुनिया की यारी, दुनिया की फ्रेंडशिप झूठी है, झूठ पर टिकी हुई है। अगर दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है, तो मेरे कृष्ण से कर, मेरे गोपाल से कर, वो तुझे धोखा नहीं देगा, वो तुझे डुबाएगा नहीं, वो तुझे तार देगा। सुदामा को दिया दो लोग की संपत्ति, तार दिया। आप भी बनो सुदामा, आप भी कृष्ण से करो मित्रता, उससे करो मित्रता जो धोखा नहीं देता, जो मारता नहीं है, जो सिर्फ तारना जानता है, उससे करो मित्रता, उसे अपना लो, उसे स्वीकार करो, उसे कहो कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। जब उसे कहोगे तो वो तुम्हारी बात को स्वीकार करेगा, वो तुम्हें अपना बना लेगा, निश्चित बनाएगा। सुदामा के चरित्र के बाद यदुवंशियों को सांप लगता है। सांप किस वजह से लगता है? एक बहुत सुंदर सा बालक जिसे साड़ी पहनाकर साधु ब्राह्मण और भक्तों के पास में वो यदुवंशी बच्चे लेकर जाते हैं और कहते हैं, महाराज ये जो स्त्री है ये गर्भवती है, कृपा करके बताइए इसे पुत्र प्राप्त होगा अथवा पुत्री। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, जीवन में तीन लोगों का अपमान मत करना, अपराध मत कर देना, साधु ब्राह्मण और भक्त। साधु ब्राह्मण और भक्त
अगर इन तीनों का अपराध आपने किया तो भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेगा। जिनको आप कृष्ण कह रहे हो, जिन्हें आप भगवान कह रहे हो, जिनके परिवार की आप कथा सुन रहे हो, उस परिवार को मिटाने में भी इन तीनों का ही हाथ है। किनका? साधु, ब्राह्मण और भक्त। जो भगवान की भक्ति करते हो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसकी कोई जाति नहीं, वो किसी भी जाति का हो सकता है। जिसके माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, हाथ में कलावा हो, भगवान का नाम जपता हो, ऐसे भक्त की कभी निंदा मत करो। ब्राह्मण के कुल में जिसने जन्म लिया हो, भगवान की भक्ति करता हो, ऐसे व्यक्ति का कोई अपराध मत करो। जो घर परिवार छोड़कर साधु हो गया हो, ऐसे व्यक्तित्व की मत निंदा सुनो, मत निंदा करो। अब कोई आपको क्या मिलेगा किसी की निंदा करने से? अगर कोई गलत है तो वो है, अगर कोई अच्छा, तुम उनको सर्टिफिकेट दोगे कि वो सही है कि गलत है? सर्टिफिकेट देने का काम परमात्मा का है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम है रास्ते में बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। बहुत से लोग कहते हैं आजकल ये होता है, आजकल ये होता है, तो क्या करोगे? धर्म छोड़ के चले जाओगे? भगवान को नहीं मानोगे? साले रूल रेगुलेशन तोड़ दोगे? कहीं और चले जाओगे? क्या करोगे? इन लोगों ने इन तीनों का अपराध किया। साप दे दिया, मूसलम कुल नाशनम, इससे जो भी जन्म लेगा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। मूसलम कुल नाशनम, तुम्हारे कुल का नाश। गजब हो गए। अब तो बेचारे बच्चे डर गए, और बच्चे डर कर उस कढ़ाई को वो पीसने लगे। सागर में बहा दिया, इतनी सी कील बची थी, उसे ऊपर से थ्रो कर दिया, ऊपर से थ्रो कर दिया उसे। जो चूरा बहाया गया था सागर में, जो चूरा बहाया गया था सागर में, वो सागर की लहरों से बहकर सागर के किनारे पर आ गया, जिससे एल का नाम की घास बन गई। एल का नाम की घास बन गई। और जो कील फेंक दी गई थी इतनी सी बची हुई, उसे एक मछली ने निगल लिया, और मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने उस कील को निकाल लिया और उसको एक तीर के आगे लगा लिया, बाण के आगे, सर के आगे लगा दिया। एक दिन सभी यदुवंशी पूरे परिवार के साथ उसी सागर के तट पर पहुंच गए, और जब उस सागर के तट पर पहुंचे, मदिरा पान करने लगे कुछ यदुवंशी। कौन कौन मदिरा पीता है? कोई हाथ उठा सकता है कौन कौन मदिरा पीता है? आपस में भाई लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या यार, हाथ उठाना है कि नहीं, उठाऊं कि नहीं, ये तो पता चल जाएगा यार पब्लिकली। मत उठाइए, लेकिन सुन लीजिए, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व नाश कर लेता है अपने ही द्वारा कुकृत्य कर। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे मदिरा पीते, छोटे छोटे बच्चे। जिस दिन शादी हो घर में, जिस दिन पार्टी हो घर में, और होली पे तो ऐसे समझते हैं जैसे सर्टिफिकेट मिल गया हमको पीने का होली और दीपावली पे। तो अब तो भाइयों की छोड़ो, अब तो माताएं भी ले लेती हैं कभी कभी। हाँ, इन पे हंस ले, क्यों तेरे ऊपर नहीं हंसना चाहिए,
तुम्हारी पैदाइश है ना, बेटा भी तेरा, बेटी भी तेरी, तेरे कुछ तो अंश होंगे इनमें कि नहीं? माताओं के नाम पे हैं, खुद के नाम पे एक ने भी हाथ नहीं उठाया। क्या यहां सारे बिना पीने वाले बैठे? यहीं पर ऐसे बैठे अभी कथा सुन रहे हैं और शाम को आज पूरी 7 दिन का संकल्प, माय गॉड, 7 दिन का संकल्प लिया था, हो गई पूरी। अब चलो भैया, 7 दिन की एक ही दिन में डकार जाएगा, एक ही दिन में जैसे तैसे कटे 7 दिन। भैया ऐसा कील सी चलती थी अंदर, यह हंसने का विषय नहीं मेरे भाई भाई, ये समझने का विषय है। आप कोई भी नशा करते हो इसका मतलब है आप अपने बच्चों को फ्रीडम देते हो कि तुम भी करो। न सिर्फ आप अपना भविष्य बर्बाद करते हो, न सिर्फ आप अपना जीवन बर्बाद करते हो, न सिर्फ आप अपना चरित्र बर्बाद करते हो, अपितु आने वाली पीढ़ी को भी चरित्र के बर्बाद करने के लिए अनुमति देकर जाते हो। अपने लिए नहीं सही तो कम से कम अपने बच्चों के लिए छोड़ दे, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कर। और अगर नहीं तो फिर बच्चों से कहने का तुझे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तू भी किसी का बच्चा है, तू भी किसी की औलाद है। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं अगर ईमानदारी से पीते हो, मैं तुमसे हाथ नहीं उठवाऊंगा, नहीं। लेकिन आज कथा के बदले में दक्षिणा दे के जाते हैं ना, तो आज उसी अपनी बुराई को इस कथा पंडाल में छोड़ के जाना अपने बच्चों की खातिर, मेरी खातिर नहीं। मैं क्या लगता हूं आपका, मैं तो साल में एक बार आता हूं वो भी 7 दिन के लिए, लेकिन तेरे बच्चे तो तेरे साथ 2400 घंटे रहते हैं, उनका क्या करोगे? उन्हें क्या बर्बाद करने की प्लानिंग है? उन्हें क्या बनाना चाहते हो? बड़े वो नहीं होते जो बड़ी पार्टियों में बड़ी महंगी महंगी शराब पीते हैं, बड़े वो होते हैं जो मानव जीवन में बड़े विचार बड़े कर्म करते हैं और खुद भी तरते हैं, दूसरों को तारते हैं, वो बड़े होते हैं। आज की भाषा में बड़े वो हो गए जो पी के पड़ा रहे, जो महंगी पी रहा है। अंग्रेजी पीता हूं मैं, देसी नहीं पीता, मुझे शौक नहीं है। मैं कभी कभी रात को सोने से पहले 2 पैग। अब तो डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर का साधु है वो खुद पी के परे हो। डॉक्टर कहते, डॉक्टर तो कहेगा वो खुद पीता है बेशर्म, उसे कहने में क्या जाएगा? मैं मेरे से पूछोगे तो मैं यही कहूंगा ना, सब कथावाचक हो, सब भक्त हो। वैसे शराबी से पूछो वो कहेंगे सब शराबी हो। इसलिए इसी मदिरा ने भगवान कृष्ण के परिवार को मिटा दिया था, याद रखना। तो जो भगवान के परिवार को मिटा सकती है मदिरा, क्या वो तुम्हारे परिवार को छोड़ेगी? और आप कहेंगे उन्होंने सब नहीं, एक ही काफी है पीने वाला। पीने वाले का चरित्र का नाश होता है, पीने वाले के सम्मान का नाश होता है, पीने वाले का धन का नाश होता है, पीने वाले की आयु का नाश होता है, पीने वाला जल्दी मरता है, आप सबको पता है। इसलिए अगर आप कभी गलती से लेते भी हो तो आपसे प्रार्थना करूंगा, इसी वक्त कथा के दक्षिणा के स्वरूप में ये छोड़ के जाइएगा और जीवन में अच्छे संकल्प लीजिएगा कि चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे इसके बदले मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं आज के बाद मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है अपने बच्चों के लिए। राधे राधे। तो मेरे भाई बहन, वो यदुवंशी, उनमें से कुछ ने मदिरा पान की और वो मदिरा पान करके व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, वो विवेकहीन हो जाता है। वहां कुछ लोग विवेकहीन हुए और वो एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे। जब एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे तो मेरे भाई बहन वही घास उखाड़ उखाड़ कर वो एक दूसरे पे वार करने लगे, एक दूसरे पे वही वार कर रहे हैं। और वो जो घास थी एलका नाम की घास, वो तलवार का काम कर रही है, वो एक दूसरे का सर काट रही है, एक दूसरे का सर काट रही है। श्री बलराम जी महाराज इस परिवार को मिटते हुए देख रहे हैं
बलराम जी महाराज उन्हें बचाने के लिए गए, लेकिन जब बलराम जी महाराज गए तो एक यदुवंशी ने उनके ऊपर भी वो घास उठाकर युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, दादा हमारी लीलाओं को पूर्ण होने का समय है और इनके विनाश का, इनकी मृत्यु का समय नज़दीक है। आइए अब आप अपने स्वरूप को त्याग करके, धराधाम को छोड़कर अपने स्थान पर जाइए। तो बलराम जी महाराज के मुख से एक सर्प निकला और वो जाके समा गए पाताल में और इस पृथ्वी को धारण किया। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और अब कन्हैया की बारी है, अब श्री कृष्ण की बारी है। अपने सभी परिवारी जनों को अपनी आंखों के आगे जाता हुआ देख रहे थे। जब वो जाता हुआ देख रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे अपने एक चरण के ऊपर पर एक चरण को रखकर विराजमान थे, तो उनके जो चरण का स्वरूप उस समय लग रहा था वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मृग का मुख हो। तो वो शिकारी वहां पर उपस्थित हुआ, उस शिकारी को लगा कि वहां कोई मृग बैठा हुआ है, तो उन्होंने उस प्रभु के चरण को मृग समझकर उसको निशाना बना लिया और अपने धनुष पर वही बाण चढ़ा लिया जो उस कील का अग्र भाग था, उस कड़ाई का भाग था, उसको धनुष पर चढ़ाया, निशाना बनाया और उस तीर को छोड़ दिया। और वो तीर जाके श्री कृष्ण के चरणों में लगा तो भगवान श्री कृष्ण भी इस पृथ्वी को छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। तो उस वक्त उद्धव और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। यहां से आगे कथा ज्यादा नहीं है, बहुत कम बची है, लेकिन जितनी भी है उसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रचित होकर श्रवण करें। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु अगर आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा। भगवान कहते हैं, उद्धव मैं कभी भी इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं और जो भी जीव भागवत की शरणागति होगा इसका मतलब है वो सीधा मेरी शरण में आकर बैठ जाएगा, सीधा मेरी शरण में आकर बैठ। वो मेरा हो जाएगा, वो मेरी शरण में है। हे प्रभु इस घोर कलिकाल में जीव का कल्याण कैसे होगा, जीवन में बड़ी कठिन विषम परिस्थिति है महाराज, कलयुग के लोगों को कल्याण का रास्ता दिखाई नहीं पड़ेगा तो वो क्या करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव कलयुग में जो लोग अपना कल्याण कराना चाहते हैं उनके लिए भागवत ही सबसे श्रेष्ठतम मार्ग है, भागवतम श्रवण करे और अपने जीवन का कल्याण कराए, क्योंकि भागवत जैसा ग्रंथ सब वेदों का सार है, इसको पंचम वेद कहा गया है, ये पंचम वेद निराला, इसकी आरती में इसका दर्शन होता है। कितनी सुंदर आरती है, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती, जो भागवत की शरणागति हो जाए उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं मेरे भाई बहन। भगवान श्री कृष्ण जीव को सिखाते हैं जीवन में क्या करना चाहिए। चार वर्ण हैं इस पृथ्वी पर, अब तो कई वर्ण हो गए, पहले चार वर्ण थे, अब तो लोग जाति के हिसाब से जीते हैं, पहले वर्ण थे चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार हैं वर्ण। अब बहुत से लोग कहते हैं ये भगवान ने गलत किया, भगवान ने गलत नहीं किया, एक घर को चलाने के लिए चार पांच लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी होती है, एक घर में रोटी बनाता है, एक घर में रोटी बने ऐसा कमाता है, एक घर की बाकी जिम्मेदारी निभाता है, एक कुछ और निभाता है। ये जो संसार है ये चार चीज़ों पर डिपेंड है, नॉलेज जरूरी है, नॉलेज के बिना कुछ नहीं होता, फिर बाहुबल भी थोड़ा होना चाहिए, बल होना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होता, भय भी न हो न प्रीत,
फिर धन भी होना बहुत जरूरी है, और धन हो तो कुछ मेहनत होना जरूरी है। अभी मैं कहीं पेपर में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति बोले हमको लोग मंदिर में नहीं जाने देते इसलिए हम धर्म बदल रहे हैं। अरे ये कोई बात है? ये कोई बात है? मैं आप लोगों को बता दूं कि जो धर्म के हिसाब से जो मंदिर में जाने के जिनको अनुमति नहीं है, उनको भगवान के मंदिर की ध्वजा जो है अगर उसका वो दर्शन कर ले मात्र ध्वजा का, तो जितना फल इनको वहाँ जाके भजन करने का, दर्शन करने का और दान देने के बाद मिलता है, उतना ही फल आपको सिर्फ भगवान की मंदिर की ध्वजा का दर्शन करने के बाद मिलता है। लेकिन हम लोग सनातन धर्म की गहराई को समझ नहीं पाते, इसलिए जो भी मुंह में आया उठा के बोल देते हैं। पहले धर्म को जानो फिर बदलने की बात करना, पहले जानो तो सही धर्म है क्या। चार वर्ण हैं और इन चारों वर्णों को धर्म कैसे निभाना चाहिए ध्यान से सुन लीजिए। ब्राह्मण को ज्ञान के द्वारा, क्षत्रिय को बाहुबल के द्वारा, धनवान वैश्य को धन के द्वारा, और सेवक को अपने तन की मेहनत के द्वारा अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जो जीव ऐसा नहीं करता है वो मानव योनि को व्यर्थ करता है, बर्बाद करता है। पैसा बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं, धर्म बढ़ाने के लिए है। बाहुबल अपना नाम कमाने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए है। ज्ञान सिर्फ बैठ के घर में घूमने का नहीं, उसका संसार में धर्म की रक्षा के लिए है। तन की सेवा सिर्फ अपने घर में दो बच्चों की तन की सेवा करते रहो इसके लिए नहीं, अपितु जब मानव जीवन मिल जाए तो जितनी भी सेवा हो सके तन से अपने धर्म की सेवा करनी चाहिए। इससे आपकी मानवता सफल होती है, सार्थक होती है, उससे सफल होती है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन भगवान ने किया है। उनमें से एक गुरु है कुंवारी कन्या। हमारे शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक। हम सीख तो कहीं से भी सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दीक्षा सिर्फ एक ही जगह से लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना ये बात। सच्चे साधक जो भगवान को पाना चाहते हैं उनको कुंवारी कन्या की तरह रहना चाहिए। कुंवारी कन्या कैसे? आपने आजकल की बात नहीं कर रहा हूं, पहले कुंवारी कन्या ज्यादा श्रृंगार नहीं करती थी। जो कन्या कुंवारी होती थी श्रृंगार नहीं, श्रृंगार वर्जित है। क्यों वर्जित है? आप श्रृंगार करोगे तो खूबसूरत लगोगे, सुंदर दिखोगे, और सुंदर दिखोगे तो चार लोग आपका नंबर मांगेंगे, उनमें से एक आपको भी पसंद होगा, फिर आप उस गलत रास्ते पर चले जाओगे। श्रृंगार इसीलिए शादी के बाद की जरूरत है, क्योंकि जब शादी हो जाए तो श्रृंगार पिया के लिए हो, पति के लिए हो। मैं यहां जो बैठे उनसे नहीं कह रहा हूं, या कोई और सुन रहा है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ धर्म की बात बता रहा हूं। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप खूब करिए अच्छी बात, लेकिन मैं आपके अगेंस्ट नहीं। कुंवारी कन्या जिसको देखने वाले आए हुए थे, उसने चूड़ियां पैड़ी हुई थी और वो धान कूट रही थी। अब अकेली धान कूट रही है और तो चूड़ियां आवाज कर रही हैं, और बाहर लोग देखने वाले आए हैं तो कैसे कह दें, कैसे संभालें, तो उसने कुछ चूड़ियां उतार दी अपने हाथों से, फिर धान कूटने लगी। लेकिन चूड़ियां फिर भी आवाज कर रही थी, फिर और चूड़ी उतार दी, फिर धान कूटने लगी, फिर भी आवाज होने लगी। अंत तो गत्वा उसने सारी चूड़ी उतार कर सिर्फ एक चूड़ी पहनी, और जब एक चूड़ी पहनी तो कोई आवाज नहीं हुई। इसका मतलब है सच्चे साधक को जब जब भगवान को पाने की इच्छा हो तो कभी ना कभी या हर दिन एकांत में कुछ देर जरूर बैठना चाहिए, जिससे हम और परमात्मा ही इन्वॉल्व हों, तीसरा व्यक्ति कोई इन्वॉल्व उसमें ना हो। इसलिए एकांत आवश्यक है सच्चे साधक के लिए। एक पिंगला नामक वैश्या है जो उन्होंने गुरु बनाई, पिंगला वैश्या। क्यों? वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसे देखने के बाद बड़े से बड़ा ऋषि भी उससे मिलने की इच्छा पाल लेता था, बड़े से बड़ा ऋषि।
लाइन लगी रहती थी उसके यहाँ, लेकिन वक्त गुजरते देर नहीं लगती, समय जात नहीं ला गई बारह, समय को जाते हुए देर नहीं लगती। अब वो बुरा समय भी आ गया, कैसा, जब सुंदर थी, जब जवान थी तो लाइन लगी रहती थी, अब उसकी उम्र ढल गई, अब श्रृंगार करती है तो काजल वो नहीं दिखा पाता रंग, लाली वो अपना असर नहीं दिखा पाती, अब बुरी लगती है। सुबह से लेके शाम तक खड़ी रही उस छज्जे पर, कोई मुझे देखे, कोई मुझे देखे, कोई मुझे देखे, लेकिन देखना तो छोड़िए, किसी ने उस तरफ एक कुछ भी एक दृष्टिपात तक नहीं किया। बड़ी रोई, बड़ी रोई, और सोचने लगी जितनी मैं दुनिया के लिए सजी हूं, अगर उससे कुछ थोड़ा समय भी अगर मोहन के लिए सज गई होती, भगवान के लिए सज गई होती, तो आज मुझे ये बुरा वक्त ना देखना पड़ता। कैन यू बिलीव दिस, उस दिन के बाद वो कभी दुनिया के लिए उसने श्रृंगार नहीं किया, उस दिन के बाद वो हमेशा कृष्ण के लिए श्रृंगार करती रही, और ऐसी सजी कि वो भागवत के इस पवित्र ग्रंथ में भी उसकी कथा सजी हुई है। इतनी सुंदर बात है। यहां इस कथा का एक अभिप्राय और है, वक्त तुम्हारा आज अच्छा है, लेकिन आज अच्छे समय को अगर गमा दोगे दुनिया में, तो कल जब बुरा वक्त आएगा, जवानी, हम लोग कहते हैं जवानी में कथा सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत बात है। आज अगर जवानी है तो आज शुरुआत कर, आज बचपन है तो आज शुरुआत कर, बचपन सुधरेगा तो जवानी सुधरेगी, जवानी सुधरेगी तो जिंदगानी सुधरेगी, और अगर जवानी बिगड़ गई तो जिंदगानी बिगड़ जाएगी। जवानी में ही अधिकांश गलत कदम भटकते हैं महाराज, अगर जवानी में दो चार कदम अच्छे पड़ जाएं तो यकीनन तेरी जिंदगानी कभी भटकेगी नहीं, लगी रहेगी लाइन पर। बोलो राधे राधे। कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, यही होगा कलयुग में जो हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर अंतर्ध्यान होते हैं, और अंतर्ध्यान होकर पधारते हैं अपने धाम के लिए। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, आज पहला चरण अभी चल रहा है, 6,000 वर्ष अभी कंप्लीट हुए नहीं है, 5,000 प्लस कुछ वर्ष हुए हैं कलयुग को प्रारंभ हुए। और इस कलयुग में पहले चरण में जीव की उम्र है 100 वर्ष, दूसरे में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग होगा जब 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बनेगा, उससे भी घोर का हाइट इतनी होगी चने के पेड़ के नीचे लेके छांव लिया करेगा, जहाँ कोई माँ नहीं, जहाँ कोई बहन नहीं, जहाँ कोई पिता नहीं, जहाँ कोई बेटी नहीं, जहाँ कोई कुछ संबंध, जैसे पशुओं में कोई संबंध नहीं है, वैसे हम लोगों में भी कोई रिश्ते नाते नहीं रहेंगे, हमारे भी रास्ते जो रिश्ते हैं बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, काल की भेंट चढ़ जाएंगे, समय की भेंट चढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी नहीं तो, अगर हमें अच्छा काम करना है, अगर हमें अच्छाई का मार्ग पर चलना है, तो हमें अभी से इसकी शुरुआत करनी होगी। अगर इस जन्म में नहीं, इस जन्म में हम लोगों ने समय गमा दिया तो आने वाले समय बड़ा खतरनाक होगा। बोलो राधे राधे। आइए भागवत शुरू से लेकर आखिर तक श्रवण करेंगे, जो जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं, सर ढक लें और 7 दिन की कथा का लाभ प्राप्त करें। मैं एक बार पुनः आपको जागरूक कर रहा हूँ, सजग कर रहा हूँ, जो खड़े रह जाएंगे उन्हें 7 दिन का, छोड़िए 1 दिन का ही लाभ मिलेगा, शायद आज का भी ना मिले। बैठ जाएं और सर ढक लें, सर ढकना ना भूलें, जहां हो वहीं, और भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे सभी। सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विशोदपत्यादिहेतवे विशोदपत्यादिहेतवे पापत्रयविनाशाय पापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। नैमिषारण्य में सोनकादि ऋषियों के प्रश्न से भागवत प्रारंभ होती है। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ हुई,
द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें सृष्टि की चर्चा है कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, उस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि इस सृष्टि का सृजन किया। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला और चारों धर्मों का वर्णन है, ब्राह्मण कैसे करे, क्षत्रिय क्या करे, वैश्य क्या करे, सेवक क्या करे। आप अपने जीवन की यात्रा को भी चार चरणों में बांटना चाहिए, जन्म से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ, 50 से लेकर 75 वानप्रस्थ, और 75 से लेकर जब तक जिंदे रहें, जीवित रहें, तब तक संन्यास। इस तरह से अपने जीवन को चार चरणों में बांटना चाहिए। पंचम स्कंद में शक्ति लीला का वर्णन है, 26 अध्याय हैं। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, पोषण लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, ऊति लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है, 24 अध्याय हैं। नवम स्कंद में ईशान लीला का वर्णन है, जिसमें 24 अध्याय हैं। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथाओं के साथ अनेकों बाल लीलाओं का वर्णन और द्वारिका तक की लीलाओं का वर्णन जिसमें किया गया है। दसम स्कंद भागवत का प्राण है। 90 अध्याय, एकादश स्कंद में 31 अध्याय मुक्ति लीला का वर्णन, और अंत में द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, आश्रय लीला का वर्णन है। 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक हैं भागवत में। राजा परीक्षित सप्तम दिवस उस स्थान से खड़े हुए, सुखदेव जी महाराज को तिलक किया, दक्षिणा दी और विदा किया, स्वयं गंगा के तट पर आकर खड़े विराजमान हुए कुशासन पर, तक्षक के आने का इंतजार करने लगे। तक्षक सर्प आया, डसा, श्राप की पूर्ति हुई, परंतु राजा के प्राण तो उसी समय समा गए थे जिस समय भागवत संपन्न हुई थी। और भगवान किसी धाम के लिए सीधे राजा परीक्षित प्रस्थान करते हैं। आपने और हमने इस भागवत को संपूर्ण श्रवण किया, आप और हम आज भागवत को विदा कर रहे हैं। अभी मैं आपसे बहुत कुछ कहने वाला हूँ, एक बात तो ये, दूसरी एक बात, श्री कृष्ण हमारा सर्वस्व है, हमारा जीवन है, हमारा प्राण धन है। उस कृष्ण से हमारी दूरियां नहीं होनी चाहिए, हमारी नज़दीकियां होनी चाहिए, और उस कृष्ण से ये भागवत हमारा नज़दीकी हमको और नज़दीक लेकर जाती है। लेकिन कितने रसिक जन हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं जब भागवत संपन्न होती है, वो रो पड़ते हैं, वो बिलखते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के रूप में ये भागवत हमारे जीवन में आती है, लेकिन जब सातवां दिन आता है तो ये हमें छोड़कर चले जाते हैं। यही वो आपका प्रेम है जो कृष्ण को आपके और करीब लाता है, कृष्ण भी आपके विषय में सोचते हैं। तो मेरे भाई बहन, ये भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके जीवन की सारी गुत्थियों को सुलझा देता है। दूसरा, आज जब भागवत विदा करें तो एक भी व्यक्ति यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। कब तक? जब तक भागवत जी की आरती न हो, पोथी सर पे न रखें और भागवत जी को विदा न करें। हमारे द्वार पर कोई अतिथि आता है, रिश्तेदार आता है, फ्रेंड आता है, हम उसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और गाड़ी में कम से कम बैठालने जाते हैं। मेरे कृष्ण से बड़ा रिश्तेदार मेरा कोई नहीं हो सकता, मेरा कृष्ण ही है। पिछले 7 दिन से वही प्रभु हमारे अपने बनकर हमारे मध्य में विराजमान हैं। तो हमें भी तब जाना चाहिए जब भगवान श्री कृष्ण को पहले विदा करें, फिर बाद में हमें जाना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पाती है।
गलियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी श्रीमद सूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जब पंथ को सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती हे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप बोले भागवत महापुराण की बोले व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 251,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 121,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094443 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्र द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छटिकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400, मोबाइल 9212201043, वेबसाइट www.vsscity.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vsscity.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।